हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सन टैरो 1010। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में इतना सारा प्यार दिया है एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोग इसी तरीके वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट करके मुझे बताते रहिए एंड आई एम हाईली हाईली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो आपकी जोडियाक साइंस हैं, 12 जोडियाक साइंस जो हैं, इनमें क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। आप ये रीडिंग अपने सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो भी आपके लिए बेटर पड़ता है, जिससे भी आप रेजोनेट ज़्यादा करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो टाइम स्टैम्प में आपको हर जोडियाक की रीडिंग का टाइम मिल जाएगा। आप उस पर जा कर के डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो माय एरी साइंस, तो ये रही आपकी रीडिंग। चलिए हम जान लेते हैं जल्दी से कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस चीज़ को आप वेलकम कर रहे हैं, क्या आपको अपनी लाइफ में पीछे छोड़ने की जरूरत है या फिर आपको क्या करने की जरूरत है जिससे आपकी लाइफ में ये चेंजेस जो हैं वो और ज़्यादा जल्दी आएँ। ओके, तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलर ऑफ द एजेस, द गार्डन एंड द गेट। एरीज साइंस, आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस आ रहे हैं। स्पेशली अगर आपकी हेल्थ ख़राब रह रही हो, मीन्स आप अभी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाइक थका हुआ फील कर रहे हैं, आप अपने आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो बहुत ज़्यादा जल्दी, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप लाइक इमोशनली आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, है ना। या फिर ऑलरेडी मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा लाइक पेन रह रहा है ना, लाइक किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है। अंदर से मन कह रहा है कि काम करें बट फिर भी काम नहीं कर पा रहे। तो अगर ये सब एनर्जीज आपकी हैं तो आपके लिए मुझे दिख रहा है बहुत सारी हीलिंग आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है एरीज कि आपको डेफिनेटली अपने इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे आपके जो चेंजेस हैं वो और ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होंगे आपकी लाइफ में। एरीज बेबीज, आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोगों को अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपकी हेल्थ अभी ख़राब नहीं भी है बट फिर भी आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम बहुत लाइक ऑफन हो जाती है, साइनस की आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको बेटर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मुझे आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जिनको हेल्थ रिलेटेड ज़्यादा इशू थी और काफ़ी टाइम से आप लोग ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो उनके लिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा। आपको अभी तक मेडिसिंस जो नहीं लग रही थी, अब आपको लाइक वो ऐसा होगा कि आपकी बॉडी ना उस पर रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। तो आपकी हीलिंग जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से होगी, बहुत जल्दी होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है एरीज कि आप लोग जो भी कुछ चाह रहे हो, ठीक है, उससे आप सिर्फ एक कदम दूरी पे हो, है ना। मतलब थोड़ा सा फासला आपके और उसके बीच है, लेकिन उसके लिए ना ये जो फासला है वो आपके खुद के डर का है, आपके अंदर के खुद के चैलेंजेस का है जिनको आपको पार करना है। और जो कुछ भी आप चाह रहे हो वो ऑलरेडी आपके सामने मतलब रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको पार करोगे, अपने अंदर के डर को पार करोगे, तब जा कर के आपको वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। एरीज बेबीज, आप लोग ना आने वाले टाइम में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हो। मीन्स जितनी भी लेथार्जी थी, जितनी भी प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी थी आप लोगों के अंदर से, वो जाने वाली है। आप लोग अपने आप को और ज़्यादा एक्टिव, नॉट ओनली जस्ट विद योर बॉडी, आप लोग अपने माइंड से भी अपने आप को ज़्यादा एक्टिव पाओगे। आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर पाओगे, ठीक है। जो चीज़ों में अभी तक बस आपका माइंड चल रहा था, बॉडी नहीं चल रही थी, मीन्स दे बोथ आर लाइक नॉट कोऑर्डिनेटिंग वट आई कैन एक्चुअली सी हियर। तो आपके लिए अब क्या होगा कि आपकी बॉडी माइंड सब एक साथ कोऑर्डिनेट करेगी, मतलब माइंड में जो आइडिया है उसको करने के लिए जब एक्शन लेने के लिए आप उठोगे तो आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगी। आप लोग अपने आप में लाइक फील करोगे कि हाँ आपकी लाइक जो एनर्जी है ना, दैट इज़ इंक्रीजिंग विद ईच न्यू डे, है ना। तो वो जो लेथार्जी है, वो जो लाइक लेजीनेस आप अपने अंदर फील कर पा रहे हो, जो बॉडी एक आपके एनर्जी फील्ड में आप अपने बॉडी पे फील कर पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं जाकर के डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रिजुविनेटेड फील करोगे।
आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मुझे हीलिंग के ही दिख रहे हैं, आप लोगों की हीलिंग ही होगी और जो भी चीज़ें अभी तक आपकी लाइफ में बेटर नहीं हो पा रही हैं, है ना, स्पेशली आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, तो जो भी आपके अंदर इमोशंस चल रहे हैं, जो भी आपके मन में बातें चल रही हैं, उन सब के लिए आपको आंसर्स दिए जाएंगे, उन सब की आपकी हीलिंग की जाएगी, आपके फिजिकल वुंड्स हों, आपके इंटरनल वुंड्स हों, इन सब की हीलिंग होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है एरीज की, आप लोग ना लाइक अकल्ट साइंस में भी इंटरेस्ट रखने वाले हो, आप लोग लाइक किसी तरीके की हीलिंग सीख सकते हो, ये रेकी भी हो सकती है, ये लाइक किसी और तरीके की एनर्जी हीलिंग हो सकती है, क्योंकि आपके हाथों में एनर्जी फ्लो जो है आप अपने आप में ज़्यादा फील कर पाओगे। हो सकता है कि दीज डेज आपकी बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा लाइक हीट प्रोड्यूस कर रही है, एंड स्पेशली वो पाम्स है ना, जहाँ पर आपकी एनर्जी फ्लो बढ़ रही है, एंड इट इज़ एक्चुअली आस्किंग यू टू लाइक लेट इट फ्लो। तो आपको जितना ज़्यादा इस एनर्जी को फ्लो करोगे, आप अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हो या फिर आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, आप नहीं सीखना चाहते हो, क्योंकि एक्चुअली ये जो भी एनर्जी वर्क होता है, पहली बात तो ये हमारी इनर कॉलिंग होती है, और दूसरी चीज़ ये जिसके लिए लाइक चोजन वन के लिए होता है, ठीक है, अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो दैट इज़ टोटली ओके, तो उस टाइम पे आपको अपनी इस एनर्जी को फ्लो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्रिएटिव कामों पे लगा करके, है ना, आप चाहो तो आर्ट कर सकते हो, अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम अपने लिए कहीं और इस एनर्जी फ्लो को, इस टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा पानी में लाइक थोड़ी देर के लिए सोक करके रखो। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी एनर्जी आ रही है वो वाटर में चली जाएगी और फिर आप उस वाटर को डिस्कार्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है या ऑलरेडी इस तरीके की प्रैक्टिस करता है, तो आप लोग अपने आप में एक इंक्रीज पावर को देखोगे, जिससे आप लोगों की हीलिंग, जो भी आप हीलिंग करोगे उससे आपको पता चलेगा कि हाँ वो लाइक और ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है, ठीक है, आप लोगों की ऑलरेडी मतलब आप लोगों के अंदर एक इस तरीके का हीलिंग पावर है एरीज इस टाइम, और ये आपके और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसको अभी तो आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन विद द टाइम जब आपको फीडबैक्स मिलेंगे, जब आप जैसे आप बेसिकली किसी की हल्की सी मसाज भी कर दोगे ना, तो दे विल गेट द लाइक ग्रेटर बेनिफिट विद इट, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि नहीं आपके हाथों में इस टाइम लिटरली हीलिंग पावर जो है वो फ्लो कर रही है। तो आप सिर्फ किसी का ऐसे हल्का सा पैर दबा दो, हाथ आप टच कर लो अगर उनको पेन है, तो वो काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिलने लगेगा। तो इस तरीके के फीडबैक से आपको पता चलेगा कि हाँ आपके हाथों में ये जो लाइक हीलिंग एनर्जी हैं वो आई हुई हैं, और आप इसे अपने ही पॉजिटिव ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हो, आप अपनी इसे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। तो उसके अलावा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ दरवाजे खुल रहे हैं एरीज, और ये दरवाजे एक्चुअली में वो हैं जिनका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से चीज़ें ना आपके लिए जैसे रुकी रुकी सी थी, बंद बंद सी थी, मतलब आप चाह करके भी अपने आप को जैसे बहुत बंधा बंधा सा फील कर रहे थे, आप चाह करके भी निकल नहीं पा रहे थे, है ना, जैसे दरवाजे ही सारे बंद थे, तो अब वो आपके लिए खुल रहे हैं, और जब ये दरवाजे आपके लिए खुलेंगे तो वहाँ पे आपको ना रुकने की लाइक समय नहीं मिलेगा, आप बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते आपसे कहा भी जा रहा है कि ये जो एनर्जी आपको दी जा रही है, जो अभी आप एनर्जी फ्लो अपने अंदर जो फील करोगे आने वाले एक महीने में, तो ये एनर्जी आपको इसलिए दी जा रही है जिससे कि जो भी आपके गोल्स आपके माइंड में थे, जो भी आपने ग्रोथ अपने लिए सोच के रखी थी, उसे आप अचीव कर पाओ, उसे आप अटेन कर पाओ, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, इसके लिए आपको तैयार किया जाएगा, पहले आपको उस तरीके की एनर्जी दे करके, एंड देन जब ये दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा और आप इसमें एंटर करोगे, तो वहाँ से आपके लिए ग्रोथ और ग्रोथ ही होगी। जब हम देख लेते हैं कि आपको किन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, या क्या चीज़ आपके लिए इस टाइम आपकी इस चेंजेस में हेल्प कर सकेंगी, ये कुछ चिट्स हैं जिनको मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया है, मैं आप लोगों के सामने अब इन चिट्स को निकाल लेंगी हूँ। ओके, वे आर 3 मैसेजेस 4 मैसेजेस, लेट्स चेक। आइसोलेशन के ट्रस्ट, आई होप आप लोग उसको ट्रस्ट, फ्रस्ट्रेशन ओके, एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेंथ। मुझे क्या दिख रहा है एरीज़ आप लोगों के लिए, कि आप लोग या तो बहुत टाइम से अकेले हो, है ना, आपका ट्रस्ट टूटा है किसी चीज़ को लेकर के,
या आप लोग लाइक इतने टाइम से बीमार थे तो आप लोगों को अकेले रहना पड़ रहा हो, है ना, तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में हो। आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप लोग किसी को अपने पास आने नहीं देना चाहते इस टाइम, है ना, या फिर आप लोग चाहते हो कि सब लोग दूर रहें, है ना। आप खुद भी दूर हो सकते हो, आपने अपने आप को खुद इनक्लोज करके रखा हो। तो इस टाइम आपसे कहा जा रहा है कि ये जो चेंजेस आपके लिए होंगे इसमें आपको ना स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ ये आपके डिवाइन प्लान का हिस्सा था डेफिनेटली, है ना, जिससे हम लोग एस्केप नहीं कर सकते। लेकिन आपको इस टाइम क्या ध्यान रखना है कि ये फ्रस्ट्रेशन से गुजरने का समय नहीं है, हमें डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। डिवाइन पे ट्रस्ट रखने से ही हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, कभी कभी हमें हमारा ही कर्मा किसी ना किसी तरीके से मिलता है। हमारे माइंड में रहता है कि हमने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है, बट फिर भी छोटी छोटी चीज़ें जो हमसे होती रहती हैं जाने अनजाने, वो कर्मा भी हमारा एक्यूमुलेट होता है और ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में लाइक प्रॉब्लम बन के आती रहती हैं। तो ऐसे टाइम में आपसे कहा जा रहा है कि अगर थोड़ी बहुत भी आपको ऐसे कोई इशू हो तो उस टाइम आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को दिखाना है ना। फिर ये जो प्रॉब्लम का टाइम है, जो हेल्थ इश्यूज आपको हो रहे हैं या फिर आपको जो दुख का टाइम है आपके, ये तुरंत ही लाइक बीत जाएगा। लेकिन इसमें आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत लाइक नेगेटिव से आपकी लाइफ पॉजिटिव वे में शिफ्ट हो रही है। आपको डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट रखना है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। जिस आपको उस दरवाजे के खुलने का इंतज़ार करना हो, जब तक नहीं खुल रहा है तब तक आपको पेशेंस रखना है एरीज। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आप इसे रेजोनेट कर पाए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपसे लाइक ये रेजोनेट की है या नहीं। ओके, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो टॉरस पीपल, तो ये रही आपकी रीडिंग। आइए हम जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, वाओ टॉरस पीपल, टेम्परेंस, ओके, द थिंकिंग वुमेन एंड फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके टॉरस, मुझे आप लोगों के लिए सबसे पहले क्या दिख रहा है ना, आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी सिक्योरिटी आने वाली है। आपके सारे डर जो हैं वो धीरे धीरे करके गायब होने वाले हैं, है ना। मींस मुझे लिटरली ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपका रूट चक्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग होने वाला है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी अपने रूट चक्रा पे वर्क कर रहे हो, आप लोग अपने सेवन चक्रास को हील कर रहे हो, है ना। या ये भी मैसेज आपके लिए है कि इस टाइम आपको अपने रूट चक्रा पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन आपके लिए जो बेसिक चेंज आ रहा है वो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सिक्योरिटी बढ़ेगी। आप हर चीज़ से घबराना लाइक आप पैनिक होना बंद करोगे। आपकी लाइफ में पेशेंस जो है अभी तक जिसकी आप में कमी थी, मुझे दिख रहा है आप लोगों में पेशेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से लाइक आप लोग ना चीज़ों के लिए उतनी जल्दी नहीं घबराओगे जितनी जल्दी आप पहले घबराया करते थे, है ना। हो सकता है पहले आपको हर चीज़ में लगता था, मतलब आप परेशान हो जाते थे अगर कोई चीज़ आपने लाइक आपके टाइम फ्रेम में नहीं होती थी तो आपको लगने लगता था कि अरे ये चीज़ तो ऐसे नहीं हुई है। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना, आपको आर्कएंजल माइकल की बहुत सारी प्रोटेक्शन मिल रही है। आप लोग वो सारी चीज़ों से लाइक अपना नाता तोड़ रहे हो जो आपकी लाइफ में आप अपना पर्पस पूरा कर चुकी हैं। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कल की रीडिंग में भी आया था। आप लोगों ने अगर पाइल टू सेलेक्ट किया होगा तो आप में से काफ़ी लोगों ने ये सेम चीज़ सुनी होगी, क्योंकि उसमें भी आर्कएंजल माइकल का मैसेज था कि आपको उनको बुलाने की ज़रूरत है, तो आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है और बाकी सारा काम वो खुद कर देंगे, है ना। मुझे और भी क्या दिख रहा है कि आप लोगों के लिए ना आपकी विश, मतलब विश फुलफिलमेंट है आपके लिए टॉरस। आप लोग बहुत टाइम से जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो आपके लिए आने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि लाइफ का, है ना, स्पेशली आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है टॉरस, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का क्रोन चक्रा भी एक्टिव होगा, तो आप लोगों को बहुत सारे डाउनलोड्स आएंगे, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। ये मैसेजेस आपको आपकी लाइक आने वाली जो विश फुलफिलमेंट है उसके लिए तैयार करेगी, ठीक है।
आपको पहले से ही बहुत सारे ऐसे साइंस दिए जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा पहले से ही एक कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लव रिलेटेड विश दिख रही है जो कि डेफिनेटली पूरी होने वाली है। आप लोग टॉस ना, आप लोग नेचुरल बॉर्न लीडर हो, है ना, तो कुछ लोगों के लिए आपको लीडरशिप रोल मिल सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक जब आप पूरी भीड़ में पीछे रहते थे, अब आपका लाइफ में आगे लीड करने का टाइम आ गया है। ठीक है, आप लोग अपनी लाइफ में लाइक आगे लीड करोगे। मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आपको किसी तरीके का रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपको किसी तरीके का ऑनर मिलने वाला है टॉरस। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में सक्सेस लाइक मैनिफेस्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा लाइक मौका है जो कि जितनी भी परिस्थितियां अभी तक आपने देखी हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपने देखे हैं, इन सब से हट करके आपको ये खुशी जैसे दी जाएगी, है ना। इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आने के बाद भी जब आपको ये लाइक खुशी मिलेगी, तो ये बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल की खुशी आपकी लाइफ में लाइक मैनिफेस्ट की जा रही है। अभी तक मुझे क्या दिख रहा है टॉरस, कि आप लोगों के माइंड में ना एक क्लियर विजन था कि हाँ मुझे लाइफ में यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है ना। लेकिन आप लोग कुछ ऐसे पर्सन हो जो आप लोग खुद काम करना नहीं पसंद करते हो, मीन्स आप लोगों को लगता है कि क्रिएटिव वगैरह काम ये हमसे नहीं होगा, है ना। आप दूसरों को मतलब दूसरों से काम कराना आपको बहुत अच्छे से आता है। तो आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि आपको डेफिनेटली ऐसे लोग मिलेंगे, जैसे अगर आप अपना कोई एंटरप्रेन्योर बनने की आप लाइक एक विजन आप रखते हो, तो आपको डेफिनेटली वैसे सबॉर्डिनेट्स आपके लिए मिलेंगे, आपके वैसे एम्प्लॉय आपको मिलेंगे जो आपका काम आपके विजन को एक्चुअल में आपकी रियलिटी में लेकर के आएंगे। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है टॉरस कि आप लोगों के लिए ना एक बहुत ग्रेट आइडिया आप लोगों के हाथ लगने वाला है, एंड दैट वुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस, एंड अपार्ट फ्रॉम द सक्सेस इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन फॉर यू। आप अपने जो गोल्स हैं, है ना, अब आप देखोगे कि बहुत ही क्लियर वे में आपको पता चला। अभी तक जैसे आप डायरेक्शन लेते हैं तो आपको डायरेक्शन मिलने वाली है ना। आप लोगों के गोल्स बहुत ही क्लियरली जैसे सामने से चल के आएंगे, आधा रास्ता आपको तय करना है और आधे रास्ते से यूनिवर्स आपको वो देगी। कुछ लोगों के लिए टॉरस मुझे ये भी दिख रहा है, आने वाले टाइम में ना आपकी लाइक सोचने की शक्ति जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन एंड फोकस और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर आप स्टूडेंट हो और ये रीडिंग देख रहे हो और आप फोकस नहीं कर पाते तब तक अपनी पढ़ाई में, तो डेफिनेटली आपके लिए वो फोकस, वो अटेंटिवनेस आपकी बढ़ने वाली है। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है टॉरस आप लोगों के लिए कि आने वाले टाइम में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो भी आपका सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि आप अपने आप को देखोगे कि आप ज़्यादा बेटर आइडियाज़ लेकर के आप आ रहे हो कि कैसे आप उसको अपने लाइक सिलेबस को कंप्लीट करो, कैसे आप अपनी लाइक पढ़ाई को नए नए तरीके से, है ना, आप उसे पूरा कर पाओ, कैसे आप डिफरेंट लाइक टेक्निक्स लगा करके, डिफरेंट हैक्स यूज़ करके आप एक्चुअल में तरह तरह की चीज़ों को याद कर पाओगे, पढ़ पाओगे, है ना, जिससे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। आप लोगों में से कुछ के लिए मुझे टॉरस ये भी मैसेज मिला है कि अब आपका टाइम आया है बैठ के शो देखने का, मीन्स आपने सारा काम कर लिया, है ना, सारा लाइक प्रोडक्शन हो गया, डायरेक्शन हो गई, कास्टिंग हो गई, फिल्म बना ली, सब कुछ कर ली, अब आपका टाइम है देखने का। व्हाट आई मीन टू से कि आपने जितना काम करना था वो सारा आप कर चुके हो और अब आपके रिवॉर्ड पाने के दिन आ गए हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने जितनी मेहनत की है अब ये रंग लाएगी और आप देखोगे कि आपके हार्डवर्क जो है वो पे ऑफ करना शुरू कर देगा। ये किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप इसको देख सकते हो कि अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज़ के साथ, आप किसी चीज़ को सक्सेसफुल करने की कोशिश कर रहे हो, ये रिश्ता हो सकता है आपका, ये आपका करियर हो सकता है, ये आपका बिजनेस हो सकता है, या आपकी स्टडी हो सकती है जिसमें मैंने बताया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, तो जिसमें आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, तो अब उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा टॉरस। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपको कुछ और मैसेजेस, क्या आपको करने की ज़रूरत है या फिर क्या चीज़ आपकी हेल्प करेगी इन चेंजेस को और अट्रैक्ट करने में। ओके, हम ये टू मैसेजेस और ओके फाइव मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए टॉरस। द फर्स्ट इज मूवमेंट, मैंने कहा ना आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट आ रही है, तो डेफिनेटली आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है ना। रुकी रुकी सी लाइफ थी, थकी थकी सी लाइफ सी चलने लगेगी। पैशन,
मतलब मैं जितनी कुछ मैंने कहा टॉरस आप लोगों के लिए, देखिए सवार आप लोगों के अंदर वो खुद से जील आएगी काम करने की, है ना। एंजाइटी मतलब आने वाले टाइम में जैसे जैसे आपके लाइफ आपके पास काम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलेगी, जैसे जैसे आपकी चीज़ें बेटर बनती जाएंगी, आपको लाइक और ज़्यादा एंजाइटी होगी कि आप इसको मेंटेन कैसे करें, है ना। तो मेंटेन आप कैसे करोगे, काम करते जाना, है ना, चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट मत करना, रुकना नहीं, चलते जाना, और डेफिनेटली आपका सारा चीज़ होता जाएगा। हेयर वी वर टॉकिंग अबाउट द सक्सेस, और यहाँ पे सक्सेस आ गया, तो डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सारी चीज़ें खुद चल के आ रही हैं, बस आप एक काम करो, अपनी एनर्जी को प्रेंस करो, क्योंकि जितनी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी तो लोगों की इविल आई भी हो सकती है, एनवी भी हो सकती है, जेलिसी भी हो सकती है, तो अपने आप को कंटिन्यूसली आप क्लेंस करते रहो। आप सेज क्लेंजिंग कर सकते हो, आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो, इसके अलावा आप पैलो सेंटो यूज़ सकते हो, तो किसी भी तरीके से अपने आप को क्लेंस करने की कोशिश करना, जिस जगह आप पढ़ रहे हो, जिस जगह आप काम कर रहे हो, है ना, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली क्लेंस करना। अगर आप लाइक आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप अपने बेडरूम को क्लेंस करो। तो ये सारी क्लेंसिंग एनर्जी, जैसे कोई भी आउटसाइड एनर्जी अगर आपके लाइक रूम में आई है, आपके स्पेस में आई है ना, तो वो क्लेंस होगी। आपके ऑरा में किसी की नेगेटिव एनर्जी है वो क्लेंस होगी, और जैसे जैसे ये क्लेंस होगी तो जितनी भी आपकी रुकावटें हैं, जितनी भी ऑब्स्टिकल्स से, वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, आपके सारे टेंशन खत्म होती जाएगी, और आपकी लाइफ में बहुत ही फॉरवर्ड मूवमेंट के साथ सक्सेस आती जाएगी। तो ये रही टॉरस आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं या नहीं, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जेमिनी पीपल, तो ये रही आपकी रीडिंग। आइए हम देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। आपका सबसे पहला कार्ड ही जेमिनी द सन है। वाओ, व्हाट एन एनर्जी। टू ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपके बहुत बहुत प्यारे कार्ड आए हैं। द थिंकिंग मैन, क्या बात है, अभी टॉरस वालों के लिए द थिंकिंग वुमेन आई थी। एंजल ऑफ लव, वाओ, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए जेमिनी। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि जितने अंधेरे के दिन थे सब चले गए आपके लाइफ में से जेमिनी, मतलब आपकी लाइफ में ना बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, जॉय आ रहा है, फुलफिलमेंट आ रही है, विशेस फुलफिल्ड होने वाली हैं, है ना, आपका इनर चाइल्ड खुश होने वाला है, कोई आपका बचपन का सपना पूरा होने वाला है, इतनी सारी खुशी है, नज़र न लगे जेमिनी आप लोगों को, आप लोग इस ब्लेसिंग्स को क्लेम करो, है ना। बट लिटरली आप लोगों की लाइफ में इतना कुछ आने वाला है कि आप लोग समेटते समेटते थक जाओगे, मुझे ऐसा दिख रहा है जेमिनी। ओके, बहुत खुशी आ रही है, लेकिन ये जो खुशी है लोगों को दिखेगी कि ये बहुत इजीली आई है, बट आप इस पर बहुत टाइम से काम कर रहे थे जेमिनी, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोगों का अब ये जो मैनिफेस्टेशन है, आप लोगों की जो हार्डवर्क है ना, आप लोगों की जो पॉजिटिव विल थी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की, आपको जो यूनिवर्स पे विश्वास था, वो रंग ला रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है शादी, आप लोगों की शादी होने वाली है ना। अगर आप शादी बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मेरी शादी कब होगी कब होगी, आप लोगों के लिए शादी भी मैनिफेस्ट होगी, चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। जेमिनी मुझे क्या लग रहा है ना, ये टाइम है एक्शंस लेने का, ये टाइम है अपने सपनों को जीने का। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए अब्रॉड अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आप लाइक आपका वीज़ा नहीं अप्रूव हो रहा था, आपका वीज़ा अप्रूव होने वाला है, अगर आप अब्रॉड में सेटल होने वाले हो तो आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिससे आप अब्रॉड में सेटल हो पाओ, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो वहाँ पर तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिली है। तो जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी आए जेमिनी, आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, एक्शन लेना है उसके ऊपर, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे जेमिनी, और अब आपको वो दी जा रही है, तो आपको इसको बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, बिल्कुल रख लेना है, ठीक है। एंजल ऑफ लव अपने आप में ही ये एनर्जी है कि आपको सबसे पहले तो यूनिवर्स का बहुत सारा प्यार दिया जा रहा है,
उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार मैनिफेस्ट हो रहा है, आपके खुद के रिश्ते जो हैं अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, अपने पार्टनर से बेहतर बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में हर चीज़ आ रही है, बहुत ही ब्लेस्ड पाइल है ये जेमिनी। मीन्स पाइल मुझे बार बार याद आ रहा है, बट जेमिनी आप लोग लिटरली बहुत ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है, मतलब एक के बाद एक ब्लेसिंग्स मैं कहूँ, है ना। अबंडेंस आ रही है, पैसे आ रहे हैं, लोगों का साथ आ रहा है, प्यार आ रहा है, विश्वास आ रहा है, मतलब जिस चीज़ को आप सोचो, है ना, बेबी आ रहा है किसी का, आपको इतना दिया जाएगा ना। अगर आपको पैसों की भी दिक्कत रही हो, आपको इतना दिया जाएगा कि आप खुद तो रखोगे, साथ में दूसरों को बांट सको, इतना पैसा आएगा। ऐसे टाइम में आपको अपनी ये ब्लेसिंग्स जो है दूसरों के साथ बांटनी है जेमिनी, आपको रोकना नहीं है इसको, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि हम इसको इकट्ठा करके रख लें तो ये रुक जाएगी, इसका फ्लो आपको बना के रखना है। सिर्फ बेफिजूल खर्च नहीं करना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को खुश करना है, उनको गिफ्ट्स दे सकते हो, आप अपने घर में लोगों को गिफ्ट्स दे सकते हो, प्यार आए तो आपको लोगों के साथ प्यार बांटना है, है ना। जो कुछ भी आपको मिले जेमिनी उसको बांटते चलिए। आप देखो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्पेशली पैसे। कुछ लोगों के लिए मुझे घर दिख रहा है, घर बहुत टाइम से आप लोग घर चाह रहे हो, आपके खुद का घर जो होने का सपना है वो भी पूरा होगा जेमिनी। आपको ना कोई मेल एंसेस्टर्स हैं, है ना, जो कि आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं, ये ना उनकी ही ब्लेसिंग का नतीजा है कि आप लोगों को ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप में से कुछ लोग एंसेस्ट्रल लाइक कोई रिचुअल किए हो, या तो आप लोग एंसेस्टर्स को लाइक पूजा होती है जो आप लोग बहुत दिल से करते हो, है ना, आप लोग अपने एंसेस्टर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जेमिनी, और उन्हीं की ये ब्लेसिंग्स हैं जो आपको अब मिल रही हैं। आने वाले एक महीने ना आपको समझ ही नहीं आएगा कि खुशियाँ किधर से आ रही हो, कितनी मैं बटोर सकूँ। बहुत खुशियाँ आए जेमिनी आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा कुछ खास दिख ही नहीं रहा है कि जिसमें मैं गाइडेंस दूँ। मुझे बस यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है कि मैं जो देख रही हूँ उसमें मुझे दिख रहा है, अरे आपको तो ये भी मिल रहा है, अरे आपको तो वो भी, मतलब हम बता नहीं पा रहे, बट फिर भी आप लोगों को सब कुछ मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जेमिनी कि आप लोगों को ना जैसे एक बहुत डेलिकेट सी चीज़ दी जाएगी, ये किसी का दिल हो सकता है, ये किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। आपको ना बहुत संभाल के, बहुत सोच समझ के इसका यूज़ करना है, है ना, बहुत लाइक बहुत केयर से आपको चीज़ को करना है, जल्दी जल्दी में नई चीज़ों को करनी है। मतलब अचानक से आपके पास सब कुछ आ रहा है तो आप खुद इतनी ओवरवेलमिंग एनर्जी में आ पाओगे कि आपको खुद कुछ नहीं समझ में आएगा। कभी कभी जब हमारे पास अचानक से बहुत कुछ आ जाता है तो हमें खुद नहीं समझ में आता कि हम क्या करें, तो ऐसे टाइम में आपको बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना है ताकि ये खुशियाँ ठहरें आपके पास, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि डिवाइन आपसे ये सारी चीज़ें वापस ले ले ये देख करके कि आप संभाल नहीं पा रहे उसको, ओके। चलिए जेमिनी अब हम देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस, आपको क्या करने की ज़रूरत है, किस चीज़ से आपको हेल्प मिल सकती है कि और ज़्यादा जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, या कुछ और एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, मेरे हाथ में ही आ गई। ओके, तो आप लोगों के लिए बहुत सारे लाइक चिट्स आए हैं जेमिनी, वन बाय वन आपके सामने ही खोलेंगे। मूवमेंट, ओके, तो ये आया था टॉरस वालों के लिए भी, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रही। वाओ, अबंडेंस, बताइए अब मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है। अभी मैंने आपको बताया ना कि आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पैरिटी, और सन के पास देखे मैंने रख ली। आप चाहो तो इसका लाइक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और रोज़ इसको देख सकते हो, नहीं तो आप इसका वॉलपेपर भी लगा सकते हो, तो आपकी लव लाइफ में मूवमेंट आ जाएगी, है ना, आपकी लाइक लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी। अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ एक लाइक हमेशा हम कहते हैं पैसों से रिलेटेड ही नहीं होती है, लाइफ में हर चीज़ की अबंडेंस होती है, और सन के ऊपर लाइक अचानक से मैंने इसको रखा है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। बहुत ही ब्लेस्ड पाइल है, मीन सॉरी जेमिनी है, बहुत ब्लेस्ड हो। देखो पैशन, पैशन ये भी आया था टॉरस में, तो आप में से हो सकता है कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में लाइक प्लेसमेंट में टॉरस भी हो, जेमिनी भी हो, तो आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग्स देख लेना। ओके, तो आपको
आपसे कहा जा रहा है जेमिनाय कि आपको ना एक्शन लेना है, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है पैशन के साथ, ढीले ढीले नहीं, क्योंकि उस कर ले रहे हैं ठीक है पा रहा है, तो आपको ना बहुत पैशन, बहुत जील के साथ कहा जा रहा है कि बहुत उत्साह के साथ आपको ये करना है, जिससे यूनिवर्स भी देखेगा कि हाँ जिस चीज़ को आप इतने टाइम से मांग रहे थे जब उन्होंने दिया तो आप आज उतने ही ज़्यादा खुश हो जितने टाइम आप मांगते हुए थे। ओके, आप लोगों की लाइफ में पीस भी मैनिफेस्ट हो, ऑब्वियस है कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स आएंगी तो आप लोगों को खुद पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी, बहुत सारी इनर स्ट्रेंथ भी आ रही है। ओके, रिजेक्शन भी है, तो हो सकता है जेमिनाय कि आप लोग किसी चीज़ से रिजेक्ट किए जाओ, लेकिन आप ये समझना कि वो रिजेक्शन आपके लिए रीडायरेक्शन होगा और किसी बेहतर चीज़ के लिए होगा, या हो सकता है अभी आप रिसेंटली किसी चीज़ से रिजेक्ट किए गए हो, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, स्पिरिट ने आपके लिए, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें सोच के रखी हैं। ओके, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, लाइफ में आगे बढ़ो, जो मन कर रहा है करते चलो, ठीक है। और या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड जेमिनाय, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट में इन ब्लेसिंग्स को ज़रूर क्लेम करके जाना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और रेजोनेट किया हो तो पक्का बताना। हेलो कैंसर पीपल, तो ये रही आपकी रीडिंग, चलिए हम देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, सेवेंथ चक्र, आर्कएंजल यूरियल एंड द वर्ल्ड। मैं आपको सच बताऊं कैंसर बेबीज, मुझे ना पहले से ही ऐसी वाइब्स मिल रही थी कि आप लोगों की लाइफ में ना किसी साइकिल का एंड हो रहा है, आप लोग कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो, मतलब जो भी चीज़ें अभी तक आपको परेशान कर रही थी, जिन चीज़ों से आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, मेहनत कर रहे थे है ना, बिल्कुल भी उसका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था, अब आप थक गए थे मेहनत करते करते और अब आप बिल्कुल गिव अप करने वाले, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग बिल्कुल गिव अप की स्टेज पे हो कि अब आपसे नहीं हो रहा है, और यहीं से यूनिवर्स बिल्कुल चीज़ों को ऐसे चेंज करने वाली है, मतलब यहीं से आपका जो कह लो लाइफ है एकदम से ट्रांसफॉर्म होने वाली है ना। बहुत टाइम से जिस तरीके की चीज़ों के लिए आप वर्क कर रहे थे, अचानक से आप देखोगे कि वो चीज़ें आपके पास धीरे धीरे करके आने लगेंगी। आप में से बहुत सारे लोग ना अब्रॉड शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे लोग लाइक वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रहे हो, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी लेकिन अब होंगी। मुझे ये भी दिख रहा है ना आप लोगों के लिए बहुत सारी इंडिपेंडेंस आ रही है, मुझे यहाँ पे वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। आप लोग ना पहले तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल हो है ना, आप लोगों की लाइक फिज़िकल ब्यूटी, आप लोगों की आँखें, आप लोगों के बाल, इसके लिए आपको मोस्टली कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते होंगे। उसके अलावा मुझे आपकी माइंड है ना, आपकी इंट्यूशन, मतलब जो आप कहते हो काफ़ी हद तक सच निकलता है, इसकी भी आपकी तारीफ बहुत होती है। आप लोगों के लिए ना एक प्रपोजल आ रहा है, आप लोगों के लिए कोई एक पर्सन आ रहा है, मतलब आप लोग कहते हो ना जैसे प्रिंस चार्मिंग, जिसे वो प्रिंस चार्मिंग आ रहा है, तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपके लिए ये न्यू लव आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मेल आते हुए दिख रहा है फॉरेन से, कुछ लोगों के लिए मतलब आपके पर्सन जो हैं वो फॉरेन से भी आ सकते हैं, मतलब अब्रॉड वाले NRI है ना वो हो सकते हैं। मुझे क्या दिख रहा है ना, कुछ लोग टेक वर्ल्ड में किसी तरीके का रिकॉग्निशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मतलब टेक्निकल काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक उन्हें किसी तरीके की सक्सेस हासिल नहीं हो पाई थी, तो आप लोगों को अब वो मिलने वाली है। यहाँ पे आप लोगों का ना कम्युनिकेशन स्किल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोग ना लोगों को यूँ कन्विंस कर लेते हो अपनी बातों से, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप लोगों से कहा जा रहा है आप लोगों को इस स्किल को यूज़ करना चाहिए, इस स्किल को आप अपने काम के साथ ऐड करो, जो कुछ भी अभी आप कर रहे हो है ना उसके साथ अपनी स्किल्स को ऐड करना शुरू करो और फिर देखना कि कैसे आपकी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में आ जाएंगी।
मुझे लग रहा है ना, आप लोग एक ऐसे पर्सन हो जिसको सजना संवरना बहुत पसंद है, आप लोगों को लग्जरी बहुत पसंद है, तो कुछ लोग हो सकता है अपनी लाइफ में किसी तरीके की लग्जरी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हो। किसी के लिए मुझे कार सुनाई दी, महंगी कार, तो अगर आप लेने के प्लान कर रहे हो तो भी थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि हो जाएगा तुरंत, या नहीं कहूँगी कि नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। आपको हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा कैंसर पीपल, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोगों की गाड़ी जो है वो भागने वाली है, मतलब अचानक से चलने वाली है, तो गिव अप मत करना, ठीक है। कोई भी सिचुएशन आ रही हो, गिव अप नहीं करना है, न्यू बिगनिंग लाइफ में आने वाली है। बस बिल्कुल ऐसे कॉर्नर में बैठी हुई है, बस छुपी हुई है कि आप उसे ढूंढ लो। तो आपको एक जगह बैठ नहीं जाना है, आपको अपनी उस न्यू बिगनिंग को ढूंढना है, जाना है, काम करते रहना है, और यूनिवर्स से कहना है, यूनिवर्स आई एम रेडी फॉर द न्यू चेंज, आई एम रेडी फॉर दिस न्यू बिगनिंग, आई एम रेडी फॉर दिस लाइक न्यू साइकिल इन माई लाइफ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको ड्रीम स्टेट में, लाइक आप लोगों के इस टाइम बहुत ही वियर्ड से सपने आ रहे होंगे, है ना। कुछ लोगों के लिए डेजा वू भी हो सकता है, आपको लाइक ड्रीम स्टेट में रहते हो, आपको लगता है कि हाँ आप ये कहीं गए हो, किसी नोन जगह पे, बहुत ज़्यादा जानी पहचानी जगह हो सकती है, रियल लाइफ में शायद आप उस जगह पे ना गए हो, तो ये कुछ आपके पास्ट लाइफ से भी आपकी चीज़ें आ रही हैं। मैं आपसे कहूँगी आप इसको लिखो, लिख करके समझने की कोशिश करो कि हाउ इट इज़ कनेक्टिंग द डॉट विद योर प्रेजेंट लाइफ, है ना, तो वहाँ से आपको पता चलेगा। कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपको पास्ट लाइफ पे और ज़्यादा लाइक पढ़ने की ज़रूरत है, इससे आपको लाइक कुछ आंसर्स मिलेंगे, और कुछ लोगों के लिए उनका आकाशिक रिकॉर्ड है जिसे आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इससे आपको इस लाइफ में क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसका आंसर मिलेगा, और उसके बाद आप अपने पास्ट लाइफ से जो भी प्रॉब्लम्स को लेकर के चल रहे थे उससे आपको छुटकारा मिलेगा, ओके। आप लोगों के लिए एक चीज़ और दिख रही है कैंसर पीपल, कि ये टाइम है आप लोगों का उड़ने का, है ना, ठहरने का नहीं। तो जब भी आपको लाइक ये लगे कि चीज़ें नहीं हो रही, आप नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वहाँ पे आप ये सोचो कि एक टाइम आएगा कि जब मैं पहले लाइक चलूँगा या चलूँगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को वो एनर्जी मिलेगी, फिर मैं दौड़ूंगा भी, है ना। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को पाने की ज़ील जब तक आपके अंदर है, तब तक आप उसके लिए दौड़ सकते हो, लेकिन जब आप अपने अंदर की उस आग को ही बुझा दोगे तो फिर आप उसके लिए दौड़ नहीं पाओगे, है ना। तो आपको अपने अंदर ये रखना है कि सिर्फ आपको दौड़ना नहीं है, आपको उड़ना है, एंड आप डेफिनेटली उड़ोगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप पायलट बनना चाह रहे हो, शायद इसलिए भी मैसेज आ रहा हो, तो आप वो भी बन जाओगे, परेशान नहीं हो, ठीक है। तो आप लोगों को अपने अंदर ये वापस से इस चीज़ को रखना है कि नहीं, मुझे उड़ान भरनी है अपनी लाइफ में। आप लोगों के लिए अमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत फ़ायदेमंद होगा, आप अपने पास अमेथिस्ट रख सकते हो, टंबल के तौर पे, ब्रेसलेट के तौर पे, मेरी तरीके आप यहाँ पे एक क्लस्टर भी रख सकते हो अपने बेड के पास, स्पेशली एट द नाइट टाइम। तो उस टाइम क्या होगा कि जो भी आपके ड्रीम स्टेट में आपको मैसेज मिल रहे हैं, तो इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू, योर इंट्यूशन विल गाइड यू विद दैट पर्टिकुलर मैसेज, है ना, तो वो चैनल होने में इजी हो जाएगा। चलिए हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, है ना, कुछ चिट्स मैंने बनाई थी, तो देख लेते हैं कि अगर इनमें कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी ब्लेसिंग जो और भी आ रही है जो भी हमें नहीं दिख रही है, ओके। तो यहाँ पे ये दो चिट्स हैं जो रह गई हैं, ओके। पहली है एंजाइटी, जितनी भी आपकी चिंताएं हैं लाइक कैंसर पीपल, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं आपसे क्यों कह रही हूँ आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी बुरी भी आपकी लाइफ नहीं है जितनी आप सोच रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ों के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो नहीं मिली तो चीज़ें खराब हो गई, लाइफ खराब हो गई। कभी कभी हमें इसलिए इतनी मेहनत कराई जाती है ताकि जो कुछ भी आप बनाओ, है ना,
आप उसकी वैल्यू को समझो जब उसका रिजल्ट आपको मिले, जब आपको इजीली मिल जाएगा रिजल्ट तो आप उसकी वैल्यू को लाइक समझोगे नहीं, लेकिन जब आप बहुत परेशानियों के साथ किसी एम्पायर को बिल्ड करोगे तो आप नहीं, हमारे बड़े बूढ़े जब किसी मेहनत से किसी चीज़ को बनाते थे तो वो हमें सदियों तक कहानी सुनाते रहते थे, मतलब हमारे दादा से हमारे पापा ने सुनी, हमारे पापा से हम लोग सुन रहे हैं, अब हमसे हमारे बच्चे सुने, काइंड ऑफ थिंग। तो वो आपके लिए है ना, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ज़रूर आएगी। देखिए तो आपको परेशान नहीं होना है, देखो इसके साथ ये कार्ड आया है ना, तो मतलब हैप्पीनेस आपकी जो भी अभी तक थकान थी, जो भी दुख दर्द थे, जो भी तकलीफें थी, वो सारी दूर होंगी, हैप्पीनेस आएगी, पीस आएगा, शांति आएगी। एनजाइटी के साथ देखो पीस भी है, मतलब जितनी भी चिंताएं थी वो दूर होंगी और पीस आएगा। बट आपको डिटरमाइंड रहना है। देखो मैं कुछ अलग से मैसेजेस नहीं कर रही हूँ, देखो आपके सामने सारे निकल रहे हैं और सब एक दूसरे के साथ वही चीज़ें कह रहे हैं जो मैंने अब तक आपको कही। डिटरमिनेशन आपको अपना नहीं छोड़ना है, आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसके लिए बिल्कुल ठान के बैठ जाओ, मैं तो करके रहूँगा, मैं तो उड़ के रहूँगा, मैंने अगर ये सपना देखा है तो मैं पूरा करूँगा, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी होता रहे, मेरे को कोई परवाह नहीं। ठीक है, स्ट्रेंथ, आपकी ये जो स्ट्रेंथ है यही आपको आपकी हैप्पीनेस, आपकी अबंडेंस, आपकी फ्रीडम, आपकी इंडिपेंडेंस सब कुछ दिलाएगी। ओके, तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कैंसर पीपल। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आप इससे रेजोनेट कर पाए हो। अगर आप रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, है ना। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेजोनेट हुई या नहीं, और आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, इतनी सारी मेहनत की है और अब जब बिल्कुल किनारे पे हैं तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो लियो पीपल, तो आइए हम देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आपको दी जा रही हैं, क्या शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपका पहला कार्ड है द हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जर्नी। ओके, लास्ट कार्ड इज ऑल टाइड अप। क्या बात है लियो पीपल, क्यों आपने अपने आप को बांध के रखा है? हाँ, किस चीज़ का डर है आपको? मतलब इतना ज़्यादा आपने अपने आप को बांध के रखा है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते हो, क्यों? काम करो थोड़ा। ठीक है, चीज़ें रुकी हुई हैं तो आपका मन नहीं लगता है ना, सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है अभी, चाह के भी मतलब कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ठीक नहीं हो रहा है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने आप को बिल्कुल बांध के बैठ जाओगे, कुछ करोगे ही नहीं। आपको पता है आप अपनी लाइफ में बिगर पिक्चर देख ही नहीं रहे हो, आपसे यूनिवर्स कह रही है बिगर पिक्चर देखो, जिस जर्नी में आप हो ना वो जर्नी बहुत ही लाइक चोजन वन को मिलती है, ये आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको डेफिनेटली ये चीज़ पता चलेगी। ठीक है, मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें भले अभी उथल पुथल के साथ हैं, लेकिन आपको अपना पर्सपेक्टिव डेफिनेटली चेंज करने की ज़रूरत है। चीज़ें रुकी हुई हैं क्योंकि इसका भी एक पर्पज़ है, हालांकि ये रुकी हुई चीज़ें आने वाले एक महीने में आपको धीरे धीरे मूवमेंट में आती दिख जाएंगी, लेकिन फिर भी जो रुकी है उससे आपको पूछने की ज़रूरत है कि आखिर ये क्यों रुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ही तरफ से किसी तरीके की कमी रह गई हो, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ही कुछ काम करना हो और वो काम हम कर नहीं रहे इसलिए चीज़ें रुक गई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग खुद ऐसे पर्सन हो जो अपनी ग्रोथ को सेल्फ सबोटाज करते हो, है ना, अच्छा खासा सब चल रहा है, अचानक से आपने लेथार्जी ले ली, काम किया नहीं और सब खत्म हो गया, सारी ग्रोथ खत्म हो गई, थोड़ा सा अच्छा चलने लगा, आप सोचते हो अरे अब तो अच्छा चलने लगा, अब क्या करना है, अभी तो बढ़िया होगा, अब इसके बाद चल पड़ेगा, लेकिन नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। आज आपने किया कल नहीं करोगे तो जो भी आपने किया वो ख़त्म ही तो होगा, हमने ऐसे कुछ जोड़ा हुआ है, मानो पैसे ही जोड़े हुए हैं, हम उसमें से निकाल के खर्च करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो एक दिन क्या होगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, उसको मेंटेन करने के लिए हमें कंटिन्यूसली जा कर के मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, घर में लेकर आने पड़ेंगे, है कि नहीं। मुझे क्या दिख रहा है लियो आप लोगों के लिए, कि आने वाले टाइम में ना जिन भी चीज़ों से आप रास्ता भटके हो, है ना, हो सकता है आपको कोई रिसेंटली कोई एडिक्शन लग गई हो, है ना, किसी भी तरीके से आप अपने पथ से पृथक हो गए हो,
आप अपना रास्ता भूल गए हो, आप अपने डेस्टिनेशन को भूल गए हो, है ना, थोड़े टाइम के लिए आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, तो आपको वापस से कान पकड़ करके यूनिवर्स अपने रास्ते पे लेके आएगी, आपको आपकी मंजिल तक, आपको आपकी मंजिल वापस से दिखाई जाएगी, पहुँचाया तो जाएगा। देखो ये तो पूरी जर्नी है और पहुँचोगे आप, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी अभी आपको बहुत सारे लाइक काम तो करने ही है, उसके अलावा आपको अपना व्यू भी चेंज करना है चीज़ों को लेकर के, आपको अपनी तैयारी चेंज करनी है, आपको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा, आपको लाइक उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे पहले तो मैं कहूँ जो मैंने कहा था कि कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, ठीक है। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना कुछ अचीव कर पा लाइक कर सकते हो, ये आप खुद नहीं जानते हो। कभी कभी आपको दूसरे लोग आकर बताते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे अंदर है, तुम कर सकते हो, लेकिन आपको फिर भी वो कॉन्फिडेंस आते ही नहीं है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है लियो, आप लोगों ने कुछ चीज़ को लेकर के ना अपने आसपास बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ गए हो आप लोग, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आप उस चीज़ से निकलने के लिए पूरी तरीके से फ्री हो, आपको कहा ही जा रहा है कि अपनी आंखें खोलो, अपनी खुद के बंधन को आप तोड़ो और बाहर निकलो। ये कुछ उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ ही बंधे हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनकी कुछ इच्छाएं हैं लाइफ को लेकर के, वो कुछ एक नई लाइक जर्नी लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके पास इतने बंधन हैं, बच्चों के हो सकते हैं, घर परिवार के हो सकते हैं, माँ बाप के हो सकते हैं, तो अपने इस बंधन को आपको तोड़ने को कहा जा रहा है। और आने वाले टाइम में ये बंधन आपको टूटेगा भी, ठीक है, आपको मिलेगी ऐसी सिचुएशन जिससे आप एक्चुअल में अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जर्नी, अभी मैंने ध्यान दिया कि ये जर्नी अपना पूरा बैग वैग पैक करके निकल गई है, तो आपके साथ भी ये होने वाला है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहीं और जाके सेटल होने वाले हो, है ना, रीलोकेशन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्यों मुझे राजस्थान सुनाई दिया, आप लोग राजस्थान जाने वाले हो, जाने वाले तो मुझे बताना कमेंट में। तो डेफिनेटली आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध करके एक नई जगह पे जाने वाले हो, ठीक है, और वहाँ पे आपका जो रीडायरेक्शन होगा लाइफ का, दैट इज़ वर्थ वॉचिंग लियो, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ में शिफ्ट ही आ रहा है कि आप लोगों को एकदम नई जर्नी दी जाएगी, है ना, जो बिल्कुल रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, थके हुए हैं, उनके लिए उनको धक्का दिया जाएगा कि नहीं अब वापस चलो। जिन्होंने अभी तक चलना शुरू ही नहीं किया है उनको रास्ता दिया जाएगा कि इस रास्ते से तुम्हें जाना है, और जिन लोगों के लाइक डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं बट स्टिल अभी वो चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं कि अब इस डेस्टिनेशन में तो आ गए, है ना, जो जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, लेकिन अब यहां पहुंच के क्या करें, तो उन्हें बताया जाएगा कि हाँ तुम्हारा ये काम है और तुम्हें ये चीज़ करनी है। आप लोगों के लिए मुझे क्या दिख रहा है लियो, कि आप लोगों को ना जैसे लाइफ में फ्रीडम क्या होती है इसका एहसास ही नेक्स्ट फेज में आपके कराया जाएगा। आप लोगों कभी ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा है कि आप लोगों ने इंडिपेंडेंट होना क्या होता है ये समझा है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहे हैं, लेकिन रिश्ते हो सकते हैं तो आप लोगों में को डिपेंडेंसी हो सकती है, फाइनेंशियली आप किसी पे डिपेंडेंट रहे हो, है ना, ये किसी तरीके की भी ये डिपेंडेंसी है, अभी तक आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहे, इमोशनली हो, डिसीजन लेना हो तो दूसरों ने आपका डिसीजन लिया है, तो अब आपको ऐसे मौके दिए जाएंगे जिसमें आप खुद के लिए डिसीजन लोगे, जिसमें आप खुद के लिए लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप अपने लिए देखने की कोशिश करोगे, तो ऐसे मौके आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, ये चिप्स मैंने आज बनाई हैं आज की रीडिंग के लिए, देखते हैं ये क्या मैसेज है। ये ब्लेसिंग भी हो सकती है या आपके लिए कोई ऐसी गाइडेंस भी हो सकती है जो आपको करने की ज़रूरत है, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए है डिस्ट्रक्शन का। नहीं नहीं घबराइए नहीं लियो, आपसे कहा जा रहा है कि अभी तक आपकी लाइफ में जो भी लाइक डिमोलिश हुआ है, जो कुछ भी आपके आसपास से छूट गया है ना, जो चीज़ें भी आप पूरी नहीं कर पाए हो, अधूरी रह गई हैं, अब उनको पूरा करने का टाइम है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि पुरानी बेड़ियों को, पुरानी हैबिट्स को, है ना, हर उस चीज़ को तोड़ने का टाइम है, ख़त्म करने का टाइम है जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं।
ये स्ट्रेंथ, क्या बात है। तब तो मैंने 5 रीडिंग की और पांचों रीडिंग में अलग ये स्ट्रेंथ कंटिन्यूअसली आ रहा है। तो आप लोगों के लिए लियो, ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ लियो का कार्ड होता है, लॉन्सगेट पोर्टल चल रहा है और ये तो लियो अपने आप में है। तो डेफिनेटली सबको बहुत सारी स्ट्रेंथ दी जा रही है, इनर स्ट्रेंथ, ताकि वो अपनी जर्नी को पूरा कर सकें। आपको अपने इंट्यूशन पर बिलीव करना है इस टाइम लियो। और उसके बाद जो आपके, मतलब आप अपने खुद के किए फैसलों पे, अपने खुद की अंदर से आई हुई आवाज़ पे जब आप बिलीव करोगे, तो जितनी भी बेड़ियाँ हैं है ना, उनको आप तोड़ोगे। ठीक है, आपको अपने आप को बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखने की आपको ज़रूरत है। एनर्जी, तो जैसे अगर आप लोग बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी में हो जहाँ कुछ समझ ही नहीं आता है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको हर वो चीज़ का रास्ता दिखाया जाएगा, बस आपको अपनी रियलिटी से नहीं हटना है ना। जो आप हो, जैसे हो, वैसे ही रहना है, किसी के लिए चेंज नहीं होना है। कुछ लोगों के लिए है कि आपको सच में किसी को छोड़ के जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन्हें बिना बताए छोड़ के चले जाओ। कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी वैल्यू को समझ ही नहीं रहा है, और एक दिन ऐसा करो बिना बताए कहीं चले जाओ और देखो उस बंदे को फ़र्क पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा आपसे, उसे बात ही मत करो। अगर उस बंदे को फ़र्क पड़ रहा है और उसने आपको 20 कॉल लगा डाले हैं, मैसेजेस कर डाले हैं, डेफिनेटली वो बंदा आपके लिए फील करता है। लेकिन अगर उस पूरे दिन में आपका कोई ख्याल नहीं है उस पर्सन को, या आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, अगर उस बंदे को आपका ख्याल ही नहीं है, तो समझ जाओ कि आपकी क्या वैल्यू हो और डेफिनेटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपना खुद का मुकाम बनाने की कोशिश करो। ठीक है, लियो, तो आपके लिए ये मैसेजेस थे, ये गाइडेंस थी, ये चेंजेस आपके आ रहे थे। आपकी आउटर रियलिटी से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके अंदर के चेंजेस हैं जो ज़्यादा होंगे, और फिर उससे आपको जो हिम्मत मिलेगी, उससे आप अपनी बाहर की रियलिटी को ब्यूटिफाई कर पाओगे। तो ये रही आपकी रीडिंग, आई होप आपको गाइडेंस अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा पक्का से कि रेजोनेट की कि नहीं, और उसके अलावा अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर है। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो वर्गो पीपल, तो चलिए हम देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं, क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड द लास्ट कार्ड इज थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमल। मुझे क्या दिख रहा है आप लोगों के लिए, जो भी आपने खुली आंखों से सपने देखे थे ना, अब उनका पूरा होने का टाइम आ रहा है। बहुत टाइम से ना जो आपने बीज बोए थे, अब उनका फल देने का समय आ रहा है। मतलब बहुत टाइम से जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे, जिनके लिए आप सपने सजाए थे है ना, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में आते हुए दिखेंगे, ग्रो होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों को एरीज की रीडिंग देखने की भी ज़रूरत है, आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं उसमें। आपके बर्थ चार्ट में एरीज का प्लेसमेंट हो सकता है, तो एक बार आप वो रीडिंग भी जाके चेक कीजिएगा। ओके, आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके आसपास कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि आप पे रौब जमाता था है ना, आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करता था, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि उसका कोई भी कंट्रोल आपके ऊपर नहीं चलेगा। आप लोग जैसे अपने खुद के पावर में आ रहे हो, आप लोग अपनी खुद की वैल्यू समझ रहे हो है ना, आप लोग अपनी वर्थ समझ रहे हो, और इसीलिए अब आप अपनी लाइफ का पावर किसी को दोगे नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है लियो, कि आपको ना अपने फाइनेंसेस को इस टाइम बहुत ही ध्यान से मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पैसे अभी आप ये बचाओगे आने वाले 1 महीने में, ये आपको लाइक और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेंगे, स्पेशली सक्सेस अचीव करने में हेल्प करेंगे। जो सेविंग अभी आप करोगे, हो सकता है आगे चल के कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले जहाँ जब आप ये पैसे लगाओ तो वो ग्रो करेंगे, और वो इस कदर ग्रो करेंगे
कि वो ओवरफ्लो होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मुझे आता हुआ आप लोगों के लिए दिख रहा है। आप लोगों को ना अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने की भी इस टाइम नीड है। आप लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो सोलर प्लेक्सस है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। और पता है जब सोलर प्लेक्सस एक्टिव होता है तो अपने आप में सक्सेस, अपने आप में हैप्पीनेस, अपने आप में बहुत ज़्यादा लाइक कॉन्फिडेंस लेकर के आता है। टाइगर्स आई की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोग टाइगर्स आई के साथ काम कर सकते हो, ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। आप लोगों के लिए मतलब जैसे लियो आपके लिए एक दरवाज़ा खुला है, वो दरवाज़ा देख लो ना, ये दरवाज़ा जो है, ये दरवाज़ा आपकी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस का है। मतलब जो भी प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, है ना, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सोल लेवल पे आपके माइंड बॉडी सोल अलाइन नहीं थी, बैलेंस नहीं थी, सबसे पहले तो स्पिरिचुअली आपकी जितनी भी लाइक अवेकनिंग होनी थी वो पूरी होगी। टाइम टाइम पे अगर आपको टावर मोमेंट फेस करने पड़ते हो, डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ता हो, उससे आपको छुटकारा मिल रहा है, आपको शांति मिलेगी, आपको सेरेनिटी मिलेगी, है ना, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। ये कार्ड कितनी हैप्पीनेस लाइक दिखा रहा है अगर आप ध्यान से देखो। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए अपने वॉलपेपर में आप फ़ोन के लगा सकते हो, लैपटॉप में लगा सकते हो, कमल, कमल का फूल लगाओ, इससे आप लोगों को और ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। और कमल का फूल माता लक्ष्मी का भी प्रतीक होता है, तो डेफिनेटली पैसा बहुत आ रहा है लियो आपके लिए, सॉरी वर्गो आपके लिए। ओके उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि चारों हाथों से खुशियां आ रही हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में पैसा ही मेन प्रॉब्लम रहा हो कि जिसकी वजह से सारी खुशियां आपकी रुकी हुई थी। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैसा आने के साथ साथ खुशियाँ भी आएंगी, लेकिन आपको ना उस प्राइड की एनर्जी में नहीं जाना है वर्गो, ठीक है, घमंड नहीं करना है, दूसरों की हेल्प करनी है, इस पैसे से दूसरों का कल्याण करना है, अच्छी चीज़ों में इस पैसों को लगाना है ना, सेविंग्स भी करनी है। ख़ास तौर पर अगर आपके घर में जो एजेड लोग हैं, है ना, दादा दादी, नाना नानी, आपके पापा लोग, मम्मी लोग एजेड हैं, हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एज हो गई अगर उनकी, तो आपको उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर के आना है। मतलब जो भी पैसा है आप कोशिश कीजिए कि ये पैसा उनके ऊपर भी आप खर्च कर रहे हो, और अच्छे मन से खर्च कर रहे हो, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस रीडिंग आप नहीं खर्च कर रहे हो, आप अपनी खुद की इच्छा से अपने माँ बाप के लिए, अपने दादा दादी के लिए, अपनी खुशी से इस अबंडेंस को शेयर करने के तौर पर आप लेकर के आएंगे गिफ्ट उनके लिए और उनको देंगे। आप देखेंगे उनके दिल से, भले वो लाइक आपको उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स सामने से ना दे, लेकिन जो उनके दिल से ब्लेसिंग्स लगेंगी, इट विल मल्टीप्लाई योर अबंडेंस, इट विल मल्टीप्लाई योर हैप्पीनेस वर्को, ठीक है। तो आपको ये करना है, आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं और उससे ज़्यादा हीलिंग आ रही है, आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइन हो रही है। और जब माइंड बॉडी और सोल अलाइन होती है ना, तो जो भी हमारे गोल्स होते हैं, जो भी चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं, वो इजीली और स्मूथली आते हैं, मींस इजीली और एफर्टलेसली जिसे आप कहते हो, बहुत आराम से आने लगती है। तो डेफिनेटली इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो रेज होगा। टाइगर्स आई के साथ काम करना आप लोग बिल्कुल मत भूलना, इट विल हेल्प अ लॉट। आप लोगों में से कुछ से कहा जा रहा है कि आपको आर्कएंजल कैमल के साथ काम करने की ज़रूरत है। आर्कएंजल कैमल हमारी लाइफ में पीसफुल रिलेशनशिप्स रिस्टोर करते हैं। तो अगर आपका अभी तक किसी के साथ लाइक प्रॉब्लम चली आपके रिलेशनशिप्स में, तो आप आर्कएंजल कैमल से कहिए, उनकी उनको इन्वोक करें और उनसे कहें कि हमारे सारे रिलेशनशिप्स में प्यार और ज़्यादा पनप जाए, हमारे सारे रिलेशनशिप्स में लाइक और ज़्यादा हारमनी आए और ज़्यादा पीस आए। ओके वर्गो, तो आज के लिए हमने रीडिंग के लिए कुछ टिप्स बनाई थी, हम देख लेते हैं इनमें आपके लिए क्या और ब्लेसिंग्स हैं, या फिर क्या आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जिससे आप इन ब्लेसिंग्स को, इन चीज़ों को और लाइफ में चेंजेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इल्यूमिनेशन, आप लोगों का नाम जैसे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अंदर से रेडिएट करने वाला, आप लोग अंदर से लाइक आपकी जो खुशी है वो बाहर दिखेगी, आपके चेहरे पे वो ग्लो दिखेगा, आपके चेहरे पे वो हैप्पीनेस दिखेगी। और ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर से जो आपको हीलिंग दी जाएगी उसकी वजह से ना
आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लाइक लाइट पॉजिटिव वाइब्स जो है आप रेडिएट करोगे, मूवमेंट आएगी आपकी लाइफ में। जैसे मैंने कहा कि रुकी हुई चीज़ें तो लाइक ऑलमोस्ट सबकी लाइफ में चीज़ें इस टाइम बढ़ रही हैं क्योंकि ये कार्ड भी बहुत बड़ा है। जितने आपके दुख दर्द है ना, स्पेशली किसी के अटैचमेंट के साथ, किसी तरीके के कंट्रोल के साथ, जो भी आपके दुख थे, जो भी आपकी तकलीफें थी, ये आपका बॉडी पेन भी हो सकता है, ये आपकी लाइक किसी तरीके का पेन आपकी लाइफ में ऐसे आपको मिला हो, वो सब दूर होने वाले हैं। आपकी सैडनेस दूर होने वाली है, ठीक है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है जैसे मैंने आपको बताया। तो यस लियो, मेरे पास आपके लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। रेजोनेट किया हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर ज़रूर से बताइएगा, है ना। गाइडेंस अच्छी लगी हो तो खुद देखने के बाद अपने लाइक लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है ना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो लिब्रा पीपल, कैसे हो आप सब? तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आप लोगों के लिए। कार्ड्स इन द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, वाओ, डोर टू वैल्यू एंड गॉडेस ऑफ द मून। लिब्रा, मुझे आप लोगों के लिए क्या दिख रहा है ना, आप लोगों को हालातों से लड़ने की शक्ति मिल रही है। आप लोगों की ना लाइफ में अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही हैं, आपको उनका रेजोल्यूशन मिलते हुए मुझे दिख रहा है। डिवाइन आप लोगों पे इस टाइम इतना ज़्यादा खुश है कि आप जो मांगोगे ना आपको मिल जाएगा। जैसे ना बंडल्स में हैप्पीनेस आ रही है, बंडल्स में मैनिफेस्टेशन आ रही है, एक के बाद एक, या अकेले सब एक साथ अचानक से आ जाए। आप लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस मुझे ये भी दिख रहे हैं, आप लोग अपने इमोशंस से लाइक इमोशंस को मैनेज करना सीख रहे हो। लिब्रा, आने वाले टाइम में ना आपकी पर्सनल हीलिंग है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना आप लोग चीज़ों को ना बड़े प्यार से हैंडल करने वाले हो। मतलब ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आपको प्रॉब्लम जैसी नहीं लग रही है। अभी तक ऐसा होता था कि आप डरते थे, पहाड़ जैसी उसको मतलब फील होती थी कि अरे ये कैसे होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोग हर चीज़ मैनेज करते रहोगे, मतलब बहुत ही ईजिली मैनेज करोगे। जैसे आपके पास काम आ रहा है, अभी तक आप क्या करते थे, बहुत ही लाइक स्कैटर्ड एनर्जी में रहते थे, है ना, काम ठीक से मैनेज नहीं कर पाते थे, कोई आपका प्लानिंग नहीं होती थी, कोई मैनेजमेंट नहीं था लाइफ में। अब आप धीरे धीरे चीज़ों को ना बड़े मैनेज वे में करने लगोगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है अभी तक आप लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, आप लोग मतलब कुछ भी जो मन में आता था मुँह पर बोल देते थे, है ना। अब आप लोग धीरे धीरे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोग ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जहाँ आप लोगों को बोलोगे लेकिन बड़े सलीके से, बड़े प्यार से, जिससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा, और आपका मतलब जो आपको कहना है, जो आपको कन्वे करना है, जो आपको एक्शन में करना है, वो आपका काम भी पूरा हो जाएगा। मुझे आप लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है आप लोगों को ना अपनी बॉडी पे थोड़ा सा, अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दोगे तो आप अननेसेसरी लाइक प्रॉब्लम्स को, इलनेस को आप इनवाइट करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो आप लोगों को अपनी बॉडी पे बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों का ना। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हो लिब्रा, ठीक है, आने वाले टाइम में। या फिर आप कह सकते हो ये आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी सेल्फ लव पे आपको ध्यान देना, अपनी माइंड बॉडी सोल की हीलिंग पे आपको ध्यान देना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि अभी तक जैसे आप बहुत सारा काम इकट्ठा ले लेते थे, है ना, चीज़ों को करने के लिए आप हमेशा बहुत ही ज़्यादा लाइक आगे रहते थे कि ये भी ले लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अब आप मुझे क्या दिख रहा है, आप लोग ना उतने ही लोगे जितना आप कर सकते हो। मतलब आप, ये आपके लिए एक तरीके से गाइडेंस भी हो सकती है और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि अब आपको उतना ही करना है जितना आप मैनेज कर सको। आपको अपनी बॉडी की नीड को समझना है ना, कितना आपकी बॉडी किसी काम को ले पा रही है, कर पा रही है। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा भी दिख रहा है लिब्रा कि आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने वाले हो। आपके अंदर ये जो नर्चरिंग मदर वाली एनर्जी है ना, जो केयरिंग पर्सन वाली एनर्जी है, ये और ज़्यादा निखर के आएगी और आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने वाली उस एम्पैथ एनर्जी में अपने आप को पाओगे, ठीक है।
आप लोगों के लिए लाइफ में एकदम न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, आपको एक क्लीन स्लेट दी जा रही है लिब्रा, और आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, जैसे भी चाहिए, ये अब आप लिखोगे और यूनिवर्स उसी तरीके आपको ये डिलीवर करने वाली है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ का ये न्यू चैप्टर जो है वो लिखना है। इसमें वही चीज़ें लिखिएगा जो आपको एक्चुअल में मैनिफेस्ट करनी है, जो आपको एक्चुअल में जीनी है। जैसे आज वी राइट इन द स्क्रिप्टिंग मेथड, है ना, हम लोग लिखते हैं कि हमें कैसे चीज़ें चाहिए, एकदम एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन। वैसे ही आपके जो एक्शंस हैं, इट विल बी लाइक द डिस्क्रिप्शन व्हाट यू नीड। तो ऐसे एक्शंस आपको करने हैं जिससे यूनिवर्स को पता चले कि हाँ, आप किस चीज़ को पाने के लिए पूरी तरीके से ईगर हो, किस चीज़ को पाने के लिए आप डिटरमाइंड हो। ये नया चैप्टर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए बहुत सारी पर्सनल हीलिंग, बहुत सारी इमोशनल हीलिंग लेकर आ रहा है। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए पैसा, मतलब पैसा बहुत बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आप लोग पैसों को लेकर अब तक परेशान थे ना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है लिब्रा। आप लोगों के लिए भर भर के पैसा आ रहा है, मतलब इतना कि शायद आप खुद भी नहीं सोच पाए होगे कि कितना पैसा आप लोगों के लिए यूनिवर्स भेज रही है। आने वाले टाइम में लाइक एक महीने में लिब्रा, आप अपने आप को और ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी में पाओगे। मतलब अभी तक जिन चीज़ों के आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ करती थी, है ना, जिनको लाइक देख करके आप बहुत ज़्यादा सोचा करते थे, जिन चीज़ों को लेकर के आपके माइंड में दिन भर कुछ ना कुछ चला करता था, अब आप उन चीज़ों से थोड़ा सा आप कम कॉन्शियस रहोगे। मतलब अभी तक आप हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहा करते थे, है ना। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ को और ज़्यादा इन्जॉय करने में ध्यान लगाओगे। अभी तक आप लोग पैसों को सेव करना चाहते थे, आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने में लगे हुए थे, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा लाइक काम अपने लिए बढ़ा लेते थे कि नहीं मुझे काम करना, अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में इंडल्ज रखते थे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते थे। अब आपकी ऐसी एनर्जी आ रही है लिब्रा जिसमें आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में अपना टाइम लाइक निकालोगे, आप अपनी लाइफ को फुल्ली इन्जॉय करने में अपना टाइम निकालोगे, है ना, अपने लिए आप अपना टाइम निकालोगे। उसके अलावा मुझे लिब्रा आप लोगों के लिए एक ट्रैवल भी दिख रहा है। ये एक अनप्लान्ड ट्रैवल होगा जो कि आपकी लाइफ में लाइक एक फ्रेश वेव ऑफ एनर्जी लेकर आएगा, या कह लो आपकी जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा वो इस ट्रैवल के बाद ही स्टार्ट होगा। और ये जो फ्रेश चैप्टर है, ये आपकी लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा हैप्पी मनी लेकर के आ रहा है। लेकिन आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपनी बॉडी की नीड को सुनने की ज़रूरत है लिब्रा। सबसे स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए यही आ रहा है। चलिए हमने ये कुछ चिट्स बनाई हैं, इनमें हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है, या क्या करने से आपकी ये जो लाइक आपके चेंजेस हैं आपके पास और ज़्यादा जल्दी से आएंगे। ओके, तो हमें बहुत सारी चिट्स मिल गई हैं आप लोगों के लिए। सैडनेस, मुझे क्या दिख रहा है लिब्रा कि आप लोगों को ना अपनी सैडनेस, स्पेशली जो आपके पैसों से रिलेटेड टेंशन थी, पैसों से रिलेटेड अब तक आपका दुख था, जो आपको उसे लाइक आपका वो दुख ख़त्म होने वाला है, तो आपको डेफिनेटली एम्ब्रेस करना है। आपको अभी अपने आप से आपको ये एनर्जी लानी है, आई एम अबंडेंट, आई एम रिच, आई एम प्रॉस्परस। आप ये कमेंट में भी इस एनर्जी को लाइक अफर्म कर सकते हो, है ना। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेस्ट करना है लिब्रा, आपसे ये बार बार कहा जा रहा है। आपको फेथ रखना है अपनी प्रेयर्स में, है ना, जिस भी डाइटी को, जिस भी शक्ति को, परमात्मा की जिस शक्ति को आप मानते हो, आपको उस पर फेथ रखना है, ठीक है, कि आपकी सारी विशेष जो हैं वो पूरी हैं। आपको आइसोलेशन से हटना अभी तक हो सकता है, आप लोगों से मिल नहीं रहे हो, लोगों से बातें नहीं कर रहे थे, आप अपने आप को बिल्कुल अलग रखने की कोशिश कर रहे थे, आप ये सोच रहे थे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इस चीज़ से अपने आप को दूर रखना है। और आपके लिए ये चेंज भी हो रहा है, आप ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने लगोगे। आप देखोगे ये रिसेंट आपके लाइफ में चेंजेस भी हो सकते हैं कि अभी आप अपने आप को लोगों से ज़्यादा बात करते हुए, लोगों के साथ घुलते मिलते हुए देख लो। मनी अगेन आपके लिए डबल कन्फर्मेशन है, आपके लिए बहुत 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 पैसा आ रहा है लिब्रा, ठीक है। डिस्ट्रक्शन, कोई चीज़ ऐसी है जो कि टूट के आपके लिए वापस से एक नई फाउंडेशन के साथ बनने जा रही है, मतलब जो चीज़ें आपकी लाइफ में लाइक बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, अब उसके बाद आपको बिल्कुल नया चैप्टर दिया जा रहा है, है ना। आपकी लाइफ के जितनी भी टावर मोमेंट थे, जितना भी दुख था, जितना भी प्रॉब्लम वाला समय था, वो बिल्कुल चला गया है। देखिए, स्ट्रेंथ अगेन, ये लगभग सारी पाइल्स में आया है, तो स्ट्रेंथ कार्ड के साथ स्ट्रेंथ अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ दी जाएगी। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं उसके लिए आपको मूवमेंट दी जाएगी, है ना।
आपकी पर्सनल और इमोशनल हीलिंग हो रही है, खुशियाँ आ रही हैं, ट्रेवल आ रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मेजर चेंजेस स्पेशली अराउंड मनी हैं, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल क्रंच थे आप लोगों के, है ना, अभी तक जो भी पैसा आपके पास नहीं आ रहा था, अब आप देखोगे कि आपके पास बरकत बढ़ रही है लिब्रा। तो या दैट्स ऑल फ्रॉम अ साइड लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्कॉर्पियो पीपल, तो चलिए हम देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस आने वाली है एक महीने के लिए। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं ये भी चेक करेंगे। जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अ वुमन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू रोमांस। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है ना स्कॉर्पियो, आपकी लाइफ में लाइक फ्रॉम फाइनेंशियल सिचुएशन टू लव, ओवरऑल आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए किसी तरीके का कम्युनिकेशन आ रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके डिवाइन यूनियन का कम्युनिकेशन है। मीन्स जैसे स्कॉर्पियो, आपके लाइक शादी है ना, शादी का ये रिश्ता हो सकता है किसी के लिए, आपके पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं। बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जिस चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हो भगवान से, डिवाइन से, है ना, किसी भी डाइटी से जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे वुल्फ स्पिरिट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो जो भी अभी तक आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, माँ काली की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो आप लोग हो सकता है माँ काली की एनर्जी के साथ भी इस टाइम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी आ रही है ना। आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जजमेंट का डे आ रहा है। जिस भी चीज़ में अभी तक आप फंसे थे, आप उसे जैसे निकल ले हो, या आपकी कोई लाइफ सिचुएशन हो सकती है, या आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये उनका कोर्ट केस हो सकता है ना, डिवोर्स केस हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है इसका रेजोल्यूशन आपको बहुत ही स्मूदली, बहुत ही फ्रीली मिलने वाला है ना। कुछ लोगों के अंदर ना ईगो डेथ हो रही है, उनको कुछ ऐसा लाइफ लेसन डिवाइन की तरफ से मिला है जिसकी वजह से उनकी ईगो है ना, जो मैं से हम की एनर्जी में आप लोग टैप हो रहे हो स्कॉर्पियो, और ये एक दिन में नहीं हो रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे करके बहुत टाइम से डिवाइन आपको इसके लिए तैयार कर रहे थे, और अब वो फाइनली जजमेंट का डे आ रहा है, फाइनली वो कॉल आएगी जिससे अब आप मैं से हम की एनर्जी में टैप करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए है ना, वो हेल्प आपको लाइक प्रोवाइड कराई जाएगी। अब ये कैसी हेल्प है ये तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है स्कॉर्पियो, लेकिन आप लोगों के लिए हेल्प ज़रूर अवेलेबल है। कुछ लोगों की ग्रोथ हो रही है, मतलब सिर्फ माइंड में सोचते सोचते आप लोग बहुत टाइम से बैठे हुए हो, लेकिन अब आपके लिए मतलब आपके अंदर से वो इनर कॉलिंग आएगी कि अब आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो, आप एक्शन लोगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को अपना सोल पर्पस पता चलने वाला है स्कॉर्पियो आने वाले एक महीने में, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आगे चल के ना आने वाली लाइक लास्ट चार पाँच महीनों में, ये सिर्फ एक महीने की एनर्जी नहीं है, आने वाले चार पाँच महीनों में आपको ना कोई किसी तरीके का डिसीजन लेना पड़ सकता है जो कि आपकी लाइफ में पूरी तरीके से रिन्यूअल लेकर के आएगा। मतलब आपकी लाइफ में एक नई लाइक पूरी तरीके से नई ऊर्जा आपकी लाइफ में एंटर होगी आने वाले टाइम में स्कॉर्पियो। आप लोगों को ना बिल्कुल आपकी जो सोचने की लाइक शक्ति है उसमें रिन्यूअल मुझे दिख रहा है, उसमें ट्रांजिशन मुझे दिख रहा है। आप लोगों को बिल्कुल एक नई तरीके की सोचने की शक्ति आपके अंदर से आएगी, आप चीज़ों को बिल्कुल नए नज़रिए से देखने वाले हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नए आइडियाज़ भी आएंगे जो कि बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारा पैसा लेकर के आएंगे उनकी लाइफ में, ओके।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो और माइंड में आपके लाइक ये आइडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो, या आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आपकी कोई स्किल हो सकती है। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप कोई नई स्किल हो सकता है सीखो आगे चल के, जिसके लिए आप जितना ज़्यादा इन्फो गैदर करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको रिसर्च करोगे, उतने ही ज़्यादा ये आपकी लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा, उतने ही ज़्यादा ये आपकी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट करेगा। ओके, पैसा मुझे आप लोगों के लिए भी बहुत सारा आते हुए दिख रहा है, स्पेशली जो लोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लाइक हाउस वाइफ हो और आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे घर में ये काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपके लिए ग्रीन फ्लैग दिखा रहा है डिवाइन, और इसी टाइम पे आपको ये न्यू आइडिया मिल सकता है, आप अपना काम शुरू कर सकते हो और ये आपको वो लाइक सक्सेस देगा। उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है स्कॉर्पियो की आप लोगों की जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ने वाली है। अगर आप ऑलरेडी रीडर हीलर हो, है ना, या फिर आप रीडर हीलर नहीं हो, फिर भी आप देखोगे कि आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही चीज़ों के लिए गाइड करेगी। जो भी आप सोच रहे थे वो बिल्कुल लाइक आपको टू द पॉइंट गाइडेंस देगी आपकी इनर सेल्फ आपको, है ना। और कुछ लोगों के लिए कोई रिविलेशन होता है लाइक हो सकता है जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है। जो आप लोगों की लाइफ में स्कॉर्पियो एक स्पिरिचुअल लव एंटर होते हुए दिख रहा है ना। काफ़ी लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि आपका यूनियन बहुत करीब है, इतना करीब कि अभी आप समझ भी नहीं पा रहे हो। आप लोग अपने पर्सन से जैसे मिलने वाले हो, शादी अगर आप सोच रहे हो तो शादी के लिए जैसे आपको राइट पार्टनर, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपको वो मिलने वाला है। तो प्यार के जितने भी रास्ते थे वो आपके लिए खुलने वाले हैं, है ना। अब तक जिन चीज़ों में हो सकता है आप अपने आप को ही प्यार मोहब्बत से बहुत लाइक बंद रखते हो कि अभी आप इस एनर्जी में टैप इन होने के लिए रेडी नहीं हो, है ना। तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको जो सही बंदा मिलेगा, है ना, उनके हाथों में वो चाबी होगी, जैसे वो जो भी आपने अपने दिल में लाइक लॉक लगा के रखा है वो उसे अनलॉक करेंगे, ठीक है। आपके फीलिंग्स को, आपके डीप इमोशंस को वो अनलॉक करेंगे और फिर आपकी लाइफ में जो प्यार है ना, वो फ्लो होना शुरू होगा। जब हम इन चिट्स से कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, क्या चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है, क्या ब्लेसिंग्स या गाइडेंस आपके लिए और है। ओके, हम ये चिट ले लेते हैं। पहला मैसेज है आपके लिए डिटर्मिनेशन। आपको अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए ना स्कॉर्पियो, तो आपको अपनी ना डिटर्मिनेशन, जो भूख है आपकी कुछ कर दिखाने की, उसको ना, उस आग को ना बुझने नहीं देना है, मतलब करते रहना है बिल्कुल भी। ये स्ट्रेंथ तो आप बिलीव नहीं करोगे, हर पाइल में आया है, मतलब हर जोडियाक में आया है। लियो लाइक लॉन्सकेट पोर्टल चल रहा है, लियो का ये कार्ड है ना। इस स्ट्रेंथ में आप देखते हो कि हाँ लॉयन होता है, लियो का ये कार्ड होता है, लियो सीजन चल रहा है, मीन्स लॉन्सकेट पोर्टल ऑलरेडी ओपन है। तो डेफिनेटली ये जो एनर्जी है ये हम सबके अंदर आ रही है ना। ये जो एनर्जी है ये हम सबके अंदर आ रही है, हम सबको इनर स्ट्रेंथ दी जा रही है हालातों से लड़ने के लिए, चीज़ों को करने के लिए। उसके अलावा रिजेक्शन है, अगर आप किसी तरीके का रिजेक्शन आपने फेस किया है रिसेंटली, या आने वाले टाइम में भी आप अगर कोई रिजेक्शन फेस करते हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो, ठीक है, क्योंकि ये आपके भले के लिए है ना। हो सकता है आपके आइडियाज़ को पहले लोग रिजेक्ट कर दें, लेकिन आपको अपने अंदर का पैशन फिर भी नहीं बुझने देना है, आपको काम करते जाना है। जो लोग आज हम पे हंस रहे हैं कल हमारी सक्सेस पे वही साथ आते हैं, तो आपको इस माइंड आइडिया को माइंड में लेना और अपने पैशन को बुझने नहीं देना है। देखिए सक्सेस है आपके लिए, मैंने कहा था ना डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अपने प्लान्स, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी है जब तक वो पूरी नहीं हो जाए। आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दे करके चलना होगा, ठीक है। अपनी लाइफ की बातें, मीन्स ये आपका जितने भी चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ पूरी होने से पहले आपको किसी को कुछ भी बताना नहीं है, ठीक है स्कॉर्पियो, क्योंकि आपके काम में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी लोगों की नज़र लग जाती है, तो आपको अपने आप को इन सब एनर्जी से बचाना है, ठीक है। और या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड स्कॉर्पियो। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेजोनेट हुई या नहीं। अपनी सक्सेस को ज़रूर क्लेम कीजिएगा और अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो सजिटेरियस पीपल, तो आइए हम देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन की तरफ से।
सबसे पहले ही कार्ड इतना हैप्पी कार्ड है सेजिटेरियस आपके लिए, सेकंड कार्ड है हर्मिट, थर्ड कार्ड है एम्प्रेस। वाओ वाओ सेजिटेरियस, आप लोगों की एनर्जी इतनी अच्छी है। लेट मी शो यू मजीशियन एंड द मिरर। वाओ एंड होस्टिलिटीज। तो सबसे पहले सेजिटेरियस मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोगों को ना लाइफ में सक्सेस मिली है बहुत, और ये जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं, मतलब आप लोगों को बहुत बड़ी सक्सेस हाथ लग रही है। सेलिब्रेशन, इट इज़ लाइक वर्थ सेलिब्रेटिंग फॉर, जिसका बहुत बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आप लोगों के लिए रिकॉग्निशन है, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे लाइक काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी कोई वीडियो वायरल हो सकती है ना, और मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लाइक आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जो आपको देखेंगे, जो आपको फॉलो करेंगे कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो। आप लोगों को मतलब बहुत सारी पहचान मिली है, फेम मिल रही है। ओके, उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ना जो कोई भी लड़ाई है, चाहे वो आपकी इंटरनल लड़ाई हो, चाहे आप बाहर किसी तरीके के कोर्ट केस में हो, या किसी तरीके से आपका किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा दिख रहा है उसमें जीत आपकी होने वाली है ना। और मतलब आप लोग इतने बड़े लेवल पे सक्सेस हासिल कर रहे हो कि ये लोगों को दिखेगी, है ना। ये कोई छोटी मोटी नहीं कि जिसे आपने घर के अंदर रख लिया और लाइक रखने के बाद आप बेसिकली ऐसे ही एक लाइफ में चल रहे हो। ये मुझे ऐसा दिख रहा है ये लोगों को दिखेगा, इससे आपका रुतबा बढ़ेगा। ओके, इस लोगों के लिए मुझे ये उनके करियर में उनका हार्डवर्क जो है वो पे ऑफ करते हुए दिख रहा है। तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको बोनस मिल सकता है ना, आपको आपके काम के लिए रिकॉग्निशन मिल सकती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आने वाले टाइम में आपको अपने आप से जुड़ने को कहा जा रहा है, अपने बारे में जानने को कहा जा रहा है। अभी आप लोग अपने बारे में, अपने पोटेंशियल के बारे में, आप क्या पावर रखते हो, भी जैसे आप लोग अपनी पावर को जानते ही नहीं हो सेजिटेरियस, आने वाले टाइम में आप लोग अपने आप को जानोगे। आपको कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ लाइक आपने लाइफ में क्या गलत किया है, क्या सही किया है, क्या आपको सही करना है, किस दिशा में आपको जाना है। इस तरीके के रियलाइजेशन आपको होंगे, आप खुद के लिए सेल्फ रिफ्लेक्ट लाइक आप करोगे, है ना। आप लोगों को ना कुछ आंसर्स अपनी लाइफ सिचुएशन के बारे में, अपने बारे में आपको खुद से मिलेंगे। जो आप इधर उधर मतलब भटक रहे थे ना, अभी तक ढूंढ रहे थे, वो सारे आंसर्स आपको खुद से मिलने वाले हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना आप लोग अपने लाइक अपने ऊपर फोकस करना थोड़ा सा ज़्यादा स्टार्ट करोगे, और ये फोकस सिर्फ लाइक अपनी शरीर को सुंदर बनाना या हम कैसे दिख रहे हैं कैसे, इन सब चीज़ों का नहीं है। ये आप अपने अंदर के आंतरिक सुख को ढूंढोगे, ये आप अपने अंदर की लाइक आपकी आत्मा किस चीज़ से संतुष्ट हो रही है, किस चीज़ से खुश हो रही है ना, या फिर क्या करने से आपको लाइक हैप्पीनेस मिल रही है, क्या करने से आप हील फील कर रहे हो, तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढोगे और आपको डेफिनेटली मिलेंगे भी। इससे क्या होगा कि जब आपकी अंदर की आत्मा लाइक संतुष्ट होगी, खुश होगी, तो वो खुशी आपकी बाहर से दिखेगी। आप भले आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन आपकी बॉडी पे वो चमक दिखेगी, है ना, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप आपके लाइक आप वो एनर्जी रेडिएट करोगे। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है। जो आप लोगों के लिए ना लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए मिल रही दिख रही है, जो कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस लेकर के आएगी, है ना, बहुत सारी स्टेबिलिटी लेकर के आएगी। आप लोगों में से कुछ लोगों से कहा जा रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिव एबिलिटी पे काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके ड्रीम्स और डिज़ायर्स आपकी लाइफ में आपको आते हुए दिखेंगे। मीन्स उतने ही आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, है ना, आपको अपनी रियलिटी में देखने को मिलेगी। कुछ लोग ना मुझे अपनी लाइफ में अपने लिए अबंडेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, मतलब अपने लिए वो सब कुछ बनाते हुए दिख रहे हैं जो उनको चाहिए, मतलब ये कहीं से मिला हुआ नहीं है, ये आप खुद ज़ीरो से जैसे आप क्रिएट कर रहे हो, है ना, पूरी एनर्जी ऐसी है। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोगों का ना मतलब आप लोगों के पास सारे जोडियाक की थोड़ी थोड़ी करके हर तरीके की पावर है। किसी जोडियाक से आपको स्ट्रेंथ मिली है, तो किसी से आपको प्यार मिला है, किसी से आपको डिसीजन मेकिंग की स्किल्स मिली है, मतलब आपके पास सारी क्वालिटीज़ हैं कि आप अपना काम
खुद तो कर ही सकते हो, साथ में आप दूसरों से भी बहुत इजीली अपना काम करवा सकते हो, है ना। आप लोगों के लिए बहुत सारा लाइक आप लोगों के लिए बरकत है, बहुत सारी बरकत है मुझे दिख रहा है सजिटेरियस। उसके अलावा आप लोगों से कहा जा रहा है कि जब आप लोगों को ये चीज़ मिले, है ना, तो आपको अपने आप को एक बांधना नहीं है कि अरे अब तो हो गया, अब आगे बढ़ के क्या करेंगे, अब करके क्या करेंगे। आप लोगों को हो सकता है किसी तरीके की टेम्पटेशंस में भी आप बैठ जाओ कि अरे अब तो मैं इतना लाइक बड़ा मेरा नाम हो गया है, मैंने इतनी सक्सेस ले ली है, तो आपको अपनी वो ईगो ड्रिवन वाली एनर्जी में नहीं जाना है, आपसे ये कहा जा रहा है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप किसी इस तरीके की एनर्जी में जा रहे हो, है ना, तो उस एनर्जी को आप हटाने के लिए आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हो। मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप ध्यान दो कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि आप अपने लिए अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन जैसे एक ऐसा हो रहा है कि एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ बर्फ़ है ना, दोनों ही जब ज़्यादा हो जाती है ना हमारी लाइफ को प्रॉब्लम देने लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा। जब आप कोई ऐसी चीज़ जिसको आप सोच रहे हो कि नहीं ये मेरे लिए ब्लेसिंग हो सकती है, इट कैन टर्न आउट एज अ कर्स फॉर यू, है ना। तो आपको आप ना मजिशियन हो, आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके वर्ड्स भी उसी तरीके हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है सजिटेरियस आने वाले एक महीनों में कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, क्या चीज़ बढ़ाने में आप लगे हो, किस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने में अपनी पूरी एनर्जी डाल रहे हो, क्योंकि वो मैनिफेस्ट तो होगी, लेकिन आपको ये भी पूछना है क्या इससे मेरी बेहतरी होगी लाइफ में, या फिर मेरी लाइफ में कोई दिक्कतें आएंगी, या फिर मैं कोई ऐसी चीज़ तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहा या कर रही कि जो बाद में मेरी लाइफ में प्रॉब्लम बन जाए, मुझे दिक्कत देने लगे। बहुत सोच समझ के आपको सजिटेरियस मैनिफेस्ट करना है इस टाइम, क्योंकि जो भी आप लिखोगे, जो भी आप कहोगे, इट विल टर्न आउट इन योर रियालिटी, इट विल कम इन योर रियालिटी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, इन चिट्स में से हम देख लेते हैं कि क्या आपको करने की ज़रूरत है जिससे आपकी ये जो लाइक चेंजेस हैं ये और जल्दी आ जाएँ, कि ये आपके चेंजेस में हेल्प करें, या फिर कोई ब्लेसिंग्स, कोई गाइडेंस आपके लिए आ रही है। पहला कार्ड है रेस्ट। ओके, तो आप लोगों को ना कहा जा रहा है कि इसमें दो मैसेजेस एक्चुअल में हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि अब ये एक्शन का टाइम है, काम कीजिए, अपनी लाइफ में सक्सेस लाइए। और कुछ लोगों से कहा जा रहा है कि अब आप मैनिफेस्टेशन, जो भी प्रोसीजर आप कंटिन्यूसली कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत टाइम से यूज़ करें, अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको थमने की ज़रूरत है। मतलब कंटिन्यूसली अगर आप मैनिफेस्ट करते भी जाओगे, आप एनर्जी यूनिवर्स में भेजते जाओगे, तो यूनिवर्स को काम करने का मौका कब मिलेगा, है ना। कभी तो आपको इस प्रोसीजर को रोकना पड़ेगा। तो अभी आपसे कहा जा रहा है अब आप जो भी मैनिफेस्टेशन अभी तक कर चुके हो, अब उनको अपनी लाइफ में एंटर होने का मौका दीजिए कि यूनिवर्स उस पर काम कर सके। अब आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस को थोड़ी देर रोकने की ज़रूरत है। हैप्पीनेस, आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, ऑब्वियसली सक्सेस आएगी, हैप्पीनेस फिर उसके साथ आएगी। काइंडनेस, देखिए मैं आपसे कह रही थी ना कि आपको क्या करना है कि अपनी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, मतलब जब भी आपको कुछ मिले तो आपको अपनी काइंडनेस को नहीं छोड़ना, आपको अपनी लाइफ में वो स्टिक होकर के काम नहीं करना है कि नहीं अब मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है ना, अब मैंने इतना सारा नाम, इतना सारा पैसा, इतनी सारी चीज़ें अचीव कर ली, आपको इस चीज़ में एनर्जी में नहीं आना है। आप जितने ही लिबरल, जितने काइंड एनर्जी में रहोगे, जितने ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहोगे, आप उतने ही ज़्यादा लाइक अट्रैक्ट करोगे सजिटेरियस। ओके, कंफर्ट, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए कंफर्ट आ रहा है, आप लोगों के लिए लग्जरी आ रही है। आइसोलेशन, ऐसे में आपको ना, अब मैंने बार बार वही मैसेज आ रहा है घूम फिर करके सजिटेरियस आपके लिए, कि लोगों का साथ नहीं छोड़ना है, कि आप ऊपर पहुंच गए हो बाकी लोग नीचे हैं, तो आपको अपना साथ नहीं छोड़ना है और ना ही आपको बिल्कुल अपने आप को अकेले करना है, ठीक है। लोगों के साथ खुशियां मनाइएगा। प्रोटेक्शन, आप लोग प्रोटेक्टेड हो इस जर्नी में, आप लोगों की जितनी भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं ये भी प्रोटेक्टेड हैं। ओके सजिटेरियस, तो आज के लिए मेरे पास इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी ये ब्लेसिंग सारी, अपनी ये जो नेम फेम रिकॉग्निशन सक्सेस जो है इसको क्लेम ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
हेलो कैप्रिकॉर्न पीपल, तो आइए हम देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ कप्स, वाह, एंजल ऑफ बैलेंस, मैन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ वाओ कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले मुझे आप लोगों के लिए क्या सुनाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न? ट्रैवल ट्रैवल एंड ट्रैवल। तो हो सकता है आपके ऑलरेडी कोई ट्रैवल प्लान्स हों या आने वाले टाइम में आपके कोई ट्रैवल प्लान्स बनेंगे, है ना, जो कि आपसे आपका लाइक प्यार मिलवाएंगे। मुझे ऐसा लाइक चैनल हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है रीलोकेशन हो रहा है किसी का, आप किसी दूसरी जगह जाके लाइक शिफ्ट हो रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए ये जो एनर्जी है ये है अब्रॉड की, ठीक है। तो आप में से काफ़ी लोग ट्राई कर रहे होंगे लाइक जॉब से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, तो आपकी ये जो विश है ये पूरी हो रही है, आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो रहा है। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ की बहुत टफ सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, है ना। मतलब बहुत ही उथल पुथल भरी ज़िंदगी से अब आप लोग बिल्कुल शांत एकदम काम स्टेट वाली लाइफ में इंटर हो रहे हो, है ना। उसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है कैप्रिकॉर्न? आप लोग ना और ज़्यादा आपकी जो ऑब्जर्व करने की पावर है वो बढ़ रही है। आप चीज़ों को अब बहुत ध्यान से सोच समझ के हर चीज़ों को देखोगे कि इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है। अभी तक आप लोग मतलब बहुत ही नहीं होते हैं जो ऐसे पर्सन जो ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, जो हो रहा है हो जाने दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। लेकिन अब मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत ही फूक फूक के कदम रखने वाली एनर्जी में टैप कर रहे हो। ऐसा इसलिए भी हो रहा है आप लोगों के अंदर, देखो फिजिकल स्ट्रेंथ तो आ ही रही है, आप लोगों के अंदर इनर स्ट्रेंथ आ रही है। अभी तक आप लोग लाइक हालातों से जब लड़ने का टाइम आता था तो आप लोग कहते थे मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, और अब आप ये इस माइंडसेट में टैप इन करोगे जिसमें आप कहोगे कि जो भी हो रहा है ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। आप लोग ना अपनी लाइफ की जो साइकिल है स्पेशली लव से रिलेटेड, जो अभी तक आप लोगों की टफ साइकिल चल रही थी उससे मुझे आप लोग बाहर आते हुए दिख रहे हो। आप लोगों की लाइफ में ना बहुत सारा हार्मनी, बहुत सारी पीस जो अपने पर्सन के साथ है वो रिस्टोर हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, आप लोगों का ये जो रिश्ता है, है ना, अब ये लव मैरिज अरेंज मैरिज आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तो ये जो रिश्ता आपके लिए बन रहा है, जो यूनियन आपके लिए बन रहा है, ये आपके लिए बहुत सारी एक खुशियाँ लेकर के आ रहा है, हीलिंग लेकर आ रही है, लाइक डिवाइनली गाइडेड रिश्ता मुझे दिख रहा है। ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, है ना, इनके साथ आपका जीवन में लाइक एक होना लिखा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों की लाइफ में लाइक एंजेलिक टीम्स आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा कनेक्ट करें, आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिख सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ हैं इस जर्नी में, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। आपको लाइक अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वो तो ये बताने की कोशिश करें, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, वो कंटिन्यूसली आपको दिखाने की कोशिश करें कि आपको वो जो दुख भरा पीरियड था, जो प्रॉब्लम्स वाला टाइम था, वो जा रहा है, और आप कितनी अच्छी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, आप कितने अच्छे लाइफ के फेज में एंटर कर रहे हो, एक नया चैप्टर, एक नई साइकिल आपके लिए एंटर हो रही है। उसके अलावा मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोगों के ज़िंदगी में प्यार, अभी तक मतलब बाकी सारी चीज़ें तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस थी, लेकिन आपका जो रिश्ता था खुद के साथ, लोगों के साथ, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ, वो बैलेंस नहीं था, और अब वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंस आ रहा है, वहाँ पे हार्मनी रिस्टोर हो रही है। अभी तक आप लोग एक दूसरे को समझते तो थे, लेकिन जब समय आता था तो चीज़ें लाइक हो नहीं पाती थी, है ना, मतलब तालमेल बैठ नहीं पाता था। आप लोग समझ रहे हो एक दूसरे को, लेकिन फिर भी ना चाह करके भी चीज़ें लाइक ख़राब हो रही थी, है ना। अब मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों के बीच में तालमेल और बढ़ जाएगा, समझदारी, एक दूसरे को समझना आप लोगों के अंदर और बढ़ जाएगा, जिसके साथ आपका रिश्ता ना और ज़्यादा ग्रो करेगा।
कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली उनका नया लव है, न्यू लव जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। इन चिट्स से कुछ और मैसेजेस देखे थे, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं, या फिर क्या आपको करने से इस फेज में, इस चेंजेस में आपको हेल्प मिलेगी। ओके, फेथ, सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने विश्वास को बनाए रखना है ना, जिस भी एक ताकत को, जिस भी पावर को आप मानते हो, आपको उस पर अपना विश्वास बनाए रखना है। वो पल पल आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है, आपके साथ हैं वो, आपके पास है वो, आपको उनको बुलाना है, ठीक है। आपके ना एक, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो जर्नी है वो इजी होने वाली है। अभी तक आपकी जर्नी बहुत ही हार्ड थी, बहुत ही रफ फेजेस थे आपकी लाइफ में, लेकिन अब आपकी एक स्मूथ जर्नी आपके लिए आने वाली है, ठीक है। आपकी इस काइंडनेस का ना मुझे ऐसा लग रहा है आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। अभी तक आपने जो भी अच्छे काम किए हैं उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। इस टाइम आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, आपको रेस्ट करना है, ठीक है, अपने माइंड को रेस्ट देना है। जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो उसको रोकना है, है ना। कुछ चीज़ों से आपको ध्यान देने की को कहा जा रहा है। मुझे ऐसा चैनल हो रहा है कि इलेक्ट्रिक चीज़ों से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा कोई शॉक लग जाए, तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखना। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इसे रेजोनेट किए हैं या नहीं। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एक्वेरियस पीपल, तो चलिए हम देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है आपकी यूनिवर्स की तरफ से। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यिन यांग, एप्रिसिएशन। ओके एक्वेरियस पीपल, सबसे पहले मुझे तो आपके लिए क्या सुनाई दिया, पैसों को लेकर के आपके लिए एक अलार्म साइन है। पैसों का आपको अपने बहुत ध्यान रखना है, फिजूल खर्ची आपको नहीं करनी है। अपने पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सेव कीजिए, है ना, ये मुझे आपके लिए मैसेज मिला है। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना लाइफ के कंट्रोल को थोड़ा सा लूज़ करने की ज़रूरत है एक्वेरियस, ठीक है। आने वाले टाइम में आप ये सीखोगे, आपको सिखाया जाएगा कि कहाँ कितना लाइक खर्च करना है, कहाँ कितना कंट्रोल करना है। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने आसपास बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बना के रखी है, आपने अपने आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड करके रखा है। तो आपसे कहा जा रहा है आपको ये बाउंड्रीज भी अपनी एक गिरानी पड़ेंगी। आगे चल के आपके पास ऐसे लाइफ सिचुएशंस आएंगी, ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी जिससे आपकी बाउंड्रीज अपने आप नीचे गिर जाएंगी। अब तक आप अपने पास किसी को आने नहीं दे रहे थे, या अपनी प्रॉब्लम्स आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे थे, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी जो लाइक प्रॉब्लम्स हैं दूसरों को बताना पड़ेगा। जब तक आप बताओगे नहीं लोग समझेंगे नहीं, ठीक है। लोग आपको, मुझे दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा जज करते हैं आपकी चीज़ों से। तो इस टाइम आपको क्या करना है कि आपको समझने की, मतलब दूसरों को बताने की ज़रूरत है। आप किसी से समझा नहीं सकते, वैलिडेशन नहीं लेना है, लेकिन दूसरों को एटलीस्ट अपनी बातों को बताना है कि आपकी लाइफ में क्या चला है, स्पेशली अपने आसपास वालों को जिनके साथ आपका रिश्ता है। जब तक आप उनको बताओगे नहीं वो कैसे जानेंगे कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। आपको उनकी हेल्प लेनी है ना, हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं होती है एक्वेरियस, आपको उनकी हेल्प लेनी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना आपको आगे चल के एक ऐसी सिचुएशन दी जाएगी एक्वेरियस, जिसमें आप जो अभी तक बहुत ज़्यादा सोसाइटी के हिसाब से चलते थे, फिर आपके माइंड में एक इस तरीके का अप्रोच दिया जाएगा जहाँ पर आप खुद सोचोगे कि सोसाइटी का काम है, मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो आपको एक ऐसी सिचुएशन दी जाएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि जो लोग आपको कह रहे हैं, जिनसे आप अप्रिसिएशन ढूंढने की कोशिश करते हो, वो भी आपको पीठ पीछे कुछ ना कुछ कह रहे हैं, है ना। जिनको आप सोचते थे कि नहीं हम इनके लिए, इनके सामने सब अच्छा अच्छा करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत तारीफ़ करते हैं, तो एक्चुअल में वो तारीफ नहीं करते हैं, वो पीठ पीछे आपके लिए बुरा कहते हैं, है ना। तो ऐसे लाइक
सिचुएशन आपको दिखेगी, ऐसा आप कह सकते हो कि आपके लिए रिविलेशन होगा कि लोग आपके पीछे क्या बात कर रहे हैं। फिर वहाँ से आपके ये जो माइंडसेट है कि आप अभी तक जो सोसाइटी को प्लीज करते थे, आपको पीपल प्लीजिंग की जो आदत थी, आपको वो पीपल प्लीजिंग की आदत मुझे दिख रहा है कि चेंज हो रही है। इसके बाद से ही आप खुद पे ध्यान देने लगोगे, आप खुद पे फोकस करने लगोगे, ना कि सोसाइटी क्या कह रही है उस पे। आप अपनी खुशी का ध्यान देने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ डिसीजन होते थे वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते थे। आने वाले टाइम में आपकी ये आदत कह सकते हो आप चेंज हो रही है एक्वेरियस, ठीक है। अब आप फिर अपने लिए डिसीजन लोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों को प्रमोशन मिलने वाला है, कोई एक ऐसी चीज़ आप करने वाले हो जिसके लिए लोग आपकी वाहवाही करने वाले हैं, ठीक है। आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है एक्वेरियस, मुझे ये चैनल हुआ। कुछ लोगों के लिए इससे कहा जा रहा है कि आपको अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप एक्शन ओरिएंटेड हो, बहुत ज़्यादा आप अथॉरिटी लेते हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो अब आपको उस कंट्रोल को थामना है, ठीक है। अब आपको उस नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में जाना है। अगर आपको रोने का दिल करता है तो आप अपने आप को रोने दो, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए चैनल हो रहा है हमेशा से मैनली बन के, स्पेशली उन लड़कों के लिए जो सोचते हैं कि नहीं मुझे रोना नहीं है, लड़के रोते नहीं हैं, तो आपसे कहा जा रहा है आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखना मतलब केयर करना सिर्फ लड़कियों का ही काम नहीं होता है ना। हम लोग 2023 में आ गए हैं, आपको अपने इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। अपना खुद का ध्यान रखिए, पैम्पर कीजिए खुद को, खुद की नर्चरिंग कीजिए। अगर आपका रोने का मन है तो रो लीजिए, अपने इमोशंस को रिलीज कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस इमोशन को दबा के रखेंगे, बॉटल अप करके रखेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा ये ट्रॉमा का लाइक शक्ल ले लेगा, मतलब ट्रॉमा बन जाएगा ये आपके लिए। फिर आपको इस ट्रॉमा को हील करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि अभी जो दुख दर्द आंसू हैं आपके मन में, जो भी तकलीफ है आपके मन में, उसे आप निकाल दीजिए। अगर आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में कि आप सिर्फ हर चीज़ को लेकर के रोते ही रहते हैं, हर लाइफ सिचुएशन में आपको डर लगता है, आपके अंदर के फियर्स नहीं ख़त्म हो रहे हैं ना, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइक सॉफ्ट बना करके रखे हो, तो इस टाइम आपसे कहा जा रहा है कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। मीन्स ये दोनों सिचुएशन उल्टी है। अगर आप इस तरीके कर रहे हो तो आपको मैस्कुलिन एक्टिव है तो आपको फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करना, फेमिनिन एक्टिव है तो मैस्कुलिन में टैप इन करना है ना। चीज़ों का कंट्रोल लेना है, थोड़े से एफर्ट्स डालने, काम करना है, अपने आप को बिल्कुल लाइक कोमल कली बना के नहीं रखना है। एग्जैक्ट वर्ड मुझे ये मिला है, आई डोंट नो, कोमल कली, ओके, शायद फूल भी है वहाँ पे। तो कली से फूल बनने की जो जर्नी है ना, आपको ये मिलेगी और ये इजी नहीं होगी, है ना। कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही टफ होने वाली है, और ये टफ ऐसा नहीं कि बाहर आपको इतना सारा कुछ दे दिया जाएगा कि आप परेशान हो जाओ, आप अपने आप से ही परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अभी तक जैसे बहुत टाल लेते चीज़ों को। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आप इतनी चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो कि हाँ ये भी हो जाएगा, ठीक है ये भी हो जाएगा, जब समय आएगा ये भी हो जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है आपका समय अभी है, जो है अभी है, आपको लाना पड़ेगा और आपको दिया जाएगा, फिर आपको करना पड़ेगा। मतलब ऐसा होगा कि आपको ज़बरदस्ती धक्का दे के यूनिवर्स कराएगी, उसके बाद जो लाइफ में आपके शिफ्ट होंगे वो बैलेंस, हार्मनी, पीस, है ना, इन्हीं सब चीज़ों को रिस्टोर किया जाएगा। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को रात को नींद भी नहीं आती है ना, टेंशन भी आपके माइंड में बहुत है, काम भी आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन टेंशन भी है, दिमाग चल रहा है, हाथ पैर नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, पता नहीं क्यों। तो इन सब चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है एक्वेरियस आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको ना अपने इमोशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अर्थ एनर्जी से। ये बोलने में दिक्कत होगी, डेफिनेटली आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आप लोगों से अपनी बातें कह नहीं पाते हो, आप अनएक्सप्रेसिव हो, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा था आपको मदर गाया की एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है बेसिकली एक्वेरियस, ओके। चलिए हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस चेंजेस में, या फिर आप लोग कोई गाइडेंस ब्लेसिंग्स जो आपके लिए आ रही हैं, ओके। हम और दो कार्ड लेंगे, लेट्स सी। मुझे लग रहा है रेस्ट, मुझे आप लोगों के लिए ना ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत रेस्ट कर चुके हो, अब उठो, काम करो,
क्रिएटिविटी, ओके, अपनी क्रिएटिविटी पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने सैक्रल चक्र को एक्टिव रखोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिव साइड पे ध्यान दोगे, है ना, तो उतनी ही ज़्यादा आपको हीलिंग में मिलेगी और उतनी ही ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फेथ। तो फेथ ये भी बहुत सारे लोगों के लिए आया, हो सकता है भगवान पर से आपका विश्वास धीरे धीरे उठ रहा हो, क्योंकि आपको वो चीज़ें नहीं मिली जब तक आप चाह रहे थे। तो आपसे कहा जा रहा है कि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगी। खुशी भी तब आएगी जब आप उसके लिए काम करोगे, है ना। तो खुशियाँ आ रही हैं लेकिन आपको उसके लिए काम करना ज़रूरी है। फेथ ट्रस्ट सब आ गया है। तो सबसे पहले दूसरों का ट्रस्ट आपको नहीं तोड़ना है। अगर आपके ट्रस्ट इश्यूज़ है तो आपको उस पर काम करना है। अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूसरों पे नहीं निकालना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है किसी भी चीज़ को लेकर के, ना फ्रस्ट्रेट एनर्जी में अगर आप जा भी रहे हो किसी तरीके, एंटर भी कर रहे हो, तो आपको लाइक कुछ भी ऐसा क्रिएटिव काम करके, है ना, उस एनर्जी को चैनल करना है। फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी को एक्चुअली में आपको चैनल करना है क्रिएटिविटी में, जहाँ से आपकी हीलिंग आएगी और हीलिंग से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, फेथ और ट्रस्ट आएगा, ठीक है। तो मुझे आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस चैनल हुए एक्वेरियस। आई होप आप लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप रेजोनेट कर पाए नहीं। पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइसिस पीपल, तो चलिए हम देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है आपका जस्टिस, सेकेंड कार्ड है आपका सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेटजी एंड वॉकिंग अवे। बहुत ही क्लियर स्ट्रेट मैसेज है पाइसिस आपके लिए। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, आपको धोखा दिया है ना, उनका बुरा समय शुरू हो गया, ठीक है। जनरली हमें ऐसी लाइक हमें इस तरीके की चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आप लोगों के साथ इतना बुरा हुआ है, आप लोगों की लाइफ में इतनी लाइक इतना भयानक आपका पास्ट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दुख दर्द है ना, जिससे आपको एक्सपेक्ट नहीं था, उस पर्सन ने आपके साथ लाइक दगाबाजी की है, उसने आपको धोखा दिया है, तो वहाँ से आपको ना जस्टिस मिला है। वहाँ से जो कर्मा है ना, ये बैलेंस हो रहा है एक्चुअल में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ना आने वाले टाइम में सच्चाई के लिए और ज़्यादा खड़े होने वाले हो। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉ से रिलेटेड हैं, या फिर अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग शायद लॉ अपीयर करना चाहते हो, मतलब लॉ एग्ज़ाम में, है ना, जज वाले एग्ज़ाम में। आई डोंट नो, मुझे ये चैनल हुआ है। तो अगर आप लोग इस तरीके की चीज़ सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ सकते हो, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, अगर आप लोग ऑलरेडी लाइक जानते हो ये पर्सन कौन है, तो आपका लाइक कर्मा सेटल किया जाएगा। और अगर आप नहीं जानते हो तो आने वाले टाइम में आपको ये बताया जाएगा कि कौन आपके पीठ पीछे आपका बुरा सोच रहा है, क्योंकि मुझे आसपास आपके बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं पाइसिस। तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपको दिखाएंगी कि एक्चुअल में ये कौन है जो आपका बुरा चाह रहा है। आपको अंदर से ऐसा फील होता होगा कि हाँ, लाइफ में मेरे कितने तरीके के एनर्जेटिक ब्लॉक्स हैं, है ना, कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी ख़राब हो रही हैं, या फिर कोई आपसे कुछ कह रहा है, मतलब दो तीन लोगों का नहीं ऐसे होता, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाती है जहाँ आपसे कोई कुछ कह रहा है, सामने वाले से कोई कुछ कह रहा है, और अल्टीमेटली आपके लिए ठीक करना होता है लेकिन वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, है ना। तो वो चीज़ आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दिखाया जाएगा कि आखिर में ये पर्सन कौन है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग ऐसे लोगों से अब दूर जाने वाले हो, है ना। आपको जब पता चलेगा तो आप उनके साथ ऑब्वियसली भी रुकोगे नहीं, है ना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग उनको माफ़ करके और तब उनको छोड़ करके हमेशा के लिए जाने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं पाइसिस, कि आप लोगों को ना अपने अंदर की लाइक आप खुद को ही किसी चीज़ को लेकर के धोखा दे रहे हो, आगे चलकर आप
आपको भी ऐसी चीज़ें रियलाइज़ कराएंगी, लाइक कराई जाएंगी, जहाँ पे आप जो खुद को धोखा दे रहे हो ना, उससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसको ले करके आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ ये चीज़ कहाँ जाएगी, क्या करेगी, मेरा कितना नुकसान, कितना प्रॉफिट है आपका, तो बेटर है कि आप उसको समझ करके आगे बढ़ने वाली तो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख ही नहीं रही है, तो बेटर है कि आप यहाँ पे रुक जाओ। आपसे कहा जा रहा है रुक जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर अब आप नहीं रुके तो फिर आपकी लाइफ का जैसे एक अंत है, मतलब जो खुशियों का एक अंत है। आप अगर इस कार्ड को देखो, सेवन ऑफ वॉन्ड जैसे कोई खंजर भोंक करके और लेके भाग रहा है और पीछे देख रहा है कि आप कैसे हो, मतलब जिंदा हो, नहीं हो, अच्छे हो, बुरे हो, कोई कंटिन्यूसली आपके लिए ना बुरा करता जा रहा है, करता जा रहा है या फिर आगे करता जाएगा। और फिर उसके बाद वो ये भी देखता है आकर के, आपसे ये हाल पूछेगा कि आप कैसे हो। तो ऐसे लोगों को अगर आप ऑलरेडी जान रहे हो तो बेटर है आप उससे निकल जाओ, और आने वाले टाइम में आप खुद से निकलोगे तो आपको निकाला जाएगा। अगर आप एक कार्ड देखो, आप यहाँ पे 9 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी, तो ये एक्सटेंशन की एनर्जी है। आप लोग दूसरे रियाल में है ना, दूसरे रियाल से कनेक्ट होगे, आप लोग डिवाइन से कनेक्ट होगे। आप लोगों को एक्चुअल में उन सिचुएशन से निकाला जाएगा जहाँ पे आपका बहुत बुरा ना हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में पड़ने से पहले ही आपको वहाँ से निकाल लिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं उनको लिखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में लिखोगे है ना, ये मैनिफेस्टेशन हो सकती है, आपकी डेली लाइफ जर्नल हो सकती है, या आपकी अफर्मेशंस हो सकती हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ अनलॉक होने वाला है, मतलब अभी तक जो कुछ चीज़ें लाइक लॉक थी आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है ना। जिन चीज़ों को लाइक आप पाते पाते रह जाते थे, अब उन तक कैसे पहुंचना है आपको ये रास्ता दिखाया जाएगा। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अब आपको लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना है उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनाने की बहुत ज़रूरत है। प्लान करके काम कीजिए, मतलब ये नहीं कि आज मन किया तो ये कर लिया, कल मन किया तो वो कर लिया। प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाइए, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, है ना। वो जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो रोड है, आपकी जो जर्नी है, आपका जो लाइक डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जो जर्नी है वो स्मूथ हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपको अपने घर से निकलने की ज़रूरत है, मतलब ऐसा बैठे बैठे आप सोच रहे हो कि आपको जो कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। घर से निकलिए, चीज़ों को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। घर में बैठे बैठे इंटरनेट की दुनिया से लेसन लेना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए कि आप अगर अपने घर में ही बैठे बैठे सिर्फ इंटरनेट से नहीं, सावधान इंडिया से लोग सीखते हैं, क्राइम पेट्रोल से लोग सीख रहे हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाहर निकलिए, सीखिए बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए उनका हिडन पोटेंशियल एक्चुअल में अनलॉक हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक जो चीज़ें आपको अपने बारे में नहीं पता थी वो भी आपको पता चलेगी। आपको ना अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जितना प्रोटेक्शन, ये जितनी गाइडेंस आपको जो दी जा रही है, ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ही दी जा रही है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप ना अगर आपके पास आसपास क्रो हो तो आप उनको फीड कराइए, ठीक है, बर्ड्स को फीड कराइए। इससे आपके एंसेस्टर्स को भी लाइक एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपके एंसेस्टर्स को वहाँ पे आप इनको फीड कराओगे तो आपके एंसेस्टर्स को वहाँ पे शांति मिलेगी। कुछ लोगों के लिए रैट की एनर्जी जो है वो स्पेसिफिक है, फील्ड माउस जिसे कहते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग ना ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोग सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी में है, तो आपसे कहा जा रहा है कि इस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। एक्चुअल में जो माउस स्पिरिट होती है ना, ये हमारी लाइफ में आते ही हैं हमें सॉफ्ट बनाने, है ना, अपनी ऐसी एनर्जी में लाने जहाँ पे आप अपनी आने वाली जर्नी के लिए लाइक रेडी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट हो सको, है ना।
उसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग फर्टिलिटी लाइक बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये जो आने वाला 2-3 महीना है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रहेगा, और आपकी जो बेबी वाली विश है वो भी पूरी होगी, ठीक है। उसके अलावा आप लोग अबंडेंस और वेल्थ के लिए तैयार किए जा रहे हो, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें, जिस तरीके का माइंडसेट, जिस तरह का अप्रोच आपका लाइफ का भी है, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस और प्रोस्पैरिटी को अट्रैक्ट नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है पाइसेस, और तभी आपके लिए ये अबंडेंस और ये जो प्रोस्पैरिटी है वो अनलॉक होगी। चलिए हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं नीचे से कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, कोई गाइडेंस, कोई ब्लेसिंग या कोई ऐसी चीज़ जो आपका इस फेज में, इस चेंजेस में आपकी हेल्प कर देगी। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गए। ओके, मैसेज के अंदर मैसेज एनर्जी, आप लोगों से कहा जा रहा है कि थोड़ी सी एक्टिवनेस दिखाइए, ठीक है, थोड़ा सा उठिए, काम कीजिए। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है आने वाले टाइम में। आपको मैंने बताया ना कि आपको पता चल जाएगा कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। इल्यूमिनेशन, आपके पाथ को इल्यूमिनेट किया जाएगा। उसके अलावा जो कोई भी गलत कर रहा है, मैंने बताया जैसे कि उसका चेहरा आपके सामने लाया जाएगा। उस टाइम पे आपको गुस्सा नहीं करना है, हालांकि गुस्सा नेचुरल है, आपको आएगा ही, लेकिन करना नहीं है, ठीक है। अपने टेम्पर इश्यूज को बहुत ध्यान देना है। डेथ, वाव, अभी यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 10 ऑफ लाइक सोर्ड्स है, दैट इज़ नियर टू डेथ एक्सपीरियंस। तो ये डेथ आपकी ईगो डेथ भी हो सकती है, ये डेथ आपकी ओल्ड सेल्फ की डेथ भी हो सकती है, ताकि आप न्यू इमर्ज्ड सेल्फ में लाइक एंटर कर सको। आपकी न्यू फ्यूचर सेल्फ जिस तरीके से आपको देखना चाहती है, आप उस तरीके बनने में हेल्प की जाएगी। कॉशन, आपको अपने आसपास लोगों से बहुत ही ज़्यादा संभल के रहना है। जिनके साथ अटैचमेंट्स हैं स्पेशली, उनके साथ तो आपको और ज़्यादा संभलना है, अपनी अटैचमेंट्स पे काम करना है, स्पेशली जो भी अनहेल्दी अटैचमेंट है आपकी लाइफ में, बैलेंस पे काम करना है आपको, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस भी रिस्टोर होगा। मैजिक, वाह, मेक अ विश पाइसेस, है ना, ये 11-11 की एनर्जी है। आपकी लाइफ में ना बहुत लाइक मैजिक होने वाला है। ऑल ऑफ अ सडन आप देखो कि सब कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आपको क्लेंस करना है, ये सिर्फ आपकी एनर्जी फील्ड ही नहीं है, आपका सिर्फ ऑरा ही नहीं है, आपकी स्पेस ही नहीं है जिसको आप क्लेंस करोगे, ये आपके लाइक कम्युनिटी है जिसको यूनिवर्स क्लेंस करेगी, ठीक है। पेन, जितने भी दुख दर्द पेन क्या बात है, सारे ये कार्ड ऐसे हैं जो कि हमें बता रहे हैं एंगर, डेथ, पेन, अटैचमेंट। तो डेफिनेटली आपका किसी एक पर्सन या आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे आपको बहुत संभलने की ज़रूरत है, और जिनसे जब आपका ये अटैचमेंट जो है, जब ये पर्सन आपकी लाइफ से जाएंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा दुख होगा। ऐसे टाइम में आपको अपने आप को बैलेंस रखना है पाइसेस, ठीक है। ये जो भी हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, ये जो भी क्लेंजिंग हो रही है आपकी, आपकी अच्छाई के लिए हो रही है, आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है और इस पर्सन से अपनी दूरी बना के रखनी है, ठीक है। तो आपके लिए मेरे पास इतनी सी गाइडेंस थी पाइसेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, गाइडेंस अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा रेजोनेट कर पाए या नहीं। आप लोगों के साथ शेयर करना लाइक बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।